जी, ये जो परिहार साहब ने जो सब्जेक्ट उठाया है, दरअसल इसको ना हमें एक ही तरफ से देखना सिखाया गया है, और जो देखना सिखाया गया है वो नेगेटिव देखना सिखाया गया है, और उस नेगेटिव देखने में जो बल मिलता है वो बाबा साहब की आगरे की कोटेशन से मिलता है कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। तो सबके माइंड ऐसे ही मेकअप हो गए कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने तो सभी तरफ से ऐसा लगता है जैसे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और ये अफसर आ नहीं रहे हैं और ये अफसर आते नहीं हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, अगर आप भारत के बाकी मूवमेंट में देखेंगे और अपने मूवमेंट में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम सबसे ज्यादा संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं जो मूवमेंट को चला रहे हैं। जो दिक्कत जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो दिक्कत हमें देखनी है। वो दिक्कत क्या है? क्योंकि 70 साल पहले बाबा साहब के साथ में हुआ होगा, अभी नहीं है। भारत में जो मूवमेंट बूस्ट हुई है वो पढ़े लिखे लोगों ने चलाई है, पढ़े लिखे लोगों ने पैसा दिया है। पढ़े लिखे लोगों के अलावा हमारे पास में ना टैलेंट है, ना पैसा है, और ना ही कुछ करने की क्षमता है। बाकी लोग तो बहुत ज्यादा दबे कुचले हैं, वो तो बेचारे सोच भी नहीं पा रहे। जो दिक्कत आई और जो हम लोग नहीं देख पा रहे, जिसको हम काउंटर नहीं करे, जिसको फेस नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ संगठन या खेमे या टुकड़े बहुत ज्यादा है। जैसे हर राज्य के अंदर कुछ आईएएस और कुछ आईपीएस और कुछ रिटायर्ड और कुछ पीसीएस हर राज्य में है। कुछ लोगों ने तो रिटायरमेंट भी ले ली है, कुछ ने नौकरियां भी छोड़ दी है, मगर वो सारे के सारे अलग अलग हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में लेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट में धर्म का काम करने वाले जो सीनियर अफसर हैं वो कभी एक साथ नहीं बैठते। जो अगर आप कुछ आईपीएस को देखेंगे जो काम कर रहे हैं वो एक साथ नहीं है, कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं वो एक साथ नहीं है। जो अफसरों की बात छोड़ दें, कुछ लोगों ने इंडिविजुअल भी अपने अपने काम किए हैं। जो कुछ आईआरएस हैं, 5-7 तो आईआरएस ऐसे हैं जिनके मैं नाम टिप से बता सकता हूँ, जो अलग अलग काम कर रहे हैं। उनमें एक साथ काम करने की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले काम कर रहे हैं तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी अफसर के पीछे चलता है। उसको लगता है ये अफसर है, इससे मेरा कुछ काम निकल आएगा तो उसके पीछे चलना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि वो अफसर का भी काम खराब कर रहा है, समाज का भी कर रहा है और अपना भी कर रहा है। क्योंकि अकेले चलने से ना तो अफसर का काम होगा जिसने जिस उद्देश्य से छोड़ा है, ना समाज का होगा, ना ही उसका होगा जो उसके पीछे चमचागिरी करता है या उसके पीछे चापलूसी करता है। इस बात को कहने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने संगठन बना के बैठे हुए हैं। जैसे जो बामसेफ संगठन है, बामसेफ संगठन में सारे पढ़े लिखे कर्मचारी हैं और सारे बड़े लेवल के हैं, और वही पैसे देते हैं और वही टाइम देते हैं और वही टैलेंट देते हैं। और वो पढ़े लिखे अधिकारी जो लोगों को जगाने वाले हैं वो खुद जगे हुए नहीं है। वो कभी खुद नहीं कहते कि भाई हम टुकड़ों में टूटे हुए हैं तो हम कैसे मुकाम तक पहुंचेंगे, कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। उनको लगता है कि हम लंबी लकीर खींचेंगे, हम पहुंच जाएंगे। वो लंबी लकीर के चक्कर में उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। और उन्होंने क्या सत्यानाश किया, हमने अपना सत्यानाश खुद कराया है, क्योंकि हमने उन सबको एग्जिस्टेंस दी है, हमने उन सबको वजूद दिया है, हमने उन सबको रिकॉग्निशन दी है, हमने उन सबको माना है, मान्यता दी है। और हम कहते हैं जितने संगठन आ रहे हैं हम सब में जाते हैं, हम तो सबके साथ हैं। मतलब हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हमको ये समझ में नहीं आती कि संगठन का मतलब क्या होता है। या तो हम ये कहें कि जितने हमारे टुकड़े हैं हम सब टुकड़ों के साथ हैं, हम संगठन कहना बंद करें उनको। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि जितने संगठन हैं उनके साथ हैं तो हम अपने आप से बेईमानी करते हैं, बाबा साहब से बेईमानी करते हैं, अपने बच्चों से बेईमानी करते हैं। तो हमें कम से कम शब्दों में ये कहना चाहिए जितने हमारे टुकड़े हैं, जितने हमारे समाज के टुकड़े हैं, हम तो हर टुकड़े को आगे बढ़ाएंगे, हम तो टुकड़े टुकड़े करने में सबसे आगे हैं। ये लो भाई सब पैसे ले जाओ, सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि टुकड़े बढ़ाने से टुकड़े ही होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये सेंटेंस बदलना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस हम उठा रहे हैं बड़ी गलती से कि संविधान खतरे में, इसको अब ठीक करने में लगे हैं, वी द पीपल के लोग अब इसको ठीक कर रहे हैं। भाई संविधान खतरे में नहीं है, हम खतरे में हैं, इसको ठीक कर लो सेंटेंस को। अगर अपने आप को और अपने बच्चों को खतरे में बताओगे तो जीत जाओगे, संविधान को खतरे में बताओगे तो हल्का सा लगता है। कहता है संविधान खतरे में है तो MP MLA देखेंगे, राजनेता देखेंगे, हमारा क्या काम उसमें। ये परसेप्शन जाता है। इसलिए हमको जो काम करना है वो ये काम करना है कि सारे अफसरों को, सारी एनर्जी को ये बार 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 रियलाइज कराना है, बार बार उनको इसका आभास कराना है, बार बार उनको ये बताना है भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम बेशक बाबा साहब के नाम पे कुछ भी कर रहे हो मगर ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। तुम जो बाबा साहब के टुकड़े टुकड़ों को समर्थन दे रहे हो, बाबा साहब के सभी लोगों की जरूरत है। समर्थन, ये सेंटेंस और ये वाक्य जब हम बार 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 कहेंगे। अभी एक मीटिंग में मैं गया था, वहां एक एक व्यक्ति कह रहा जी उधर जो वी द पीपल चलता है उसमें ये कहते हैं कि पैसे मत दो।
अब जो संगठन ठीक है उनको तो पैसे देने चाहिए। अरे भाई कौन डिसाइड करेगा कि संगठन ठीक है या खराब है? चार संगठन है, चारों अलग अलग हैं, तो पहले जो संगठन के मायने हैं उसी में गलत हो जाते हैं। तो उनको कहो कि सारे एक साथ हो जाए फिर पैसा देंगे। वी द पीपल कब कहता है कि भाई पैसे नहीं देने चाहिए? वी द पीपल तो ये कहता है इकट्ठे होके आइए हम पैसा देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। अब इकट्ठे होके तुम आओगे नहीं तो पैसा हम देंगे नहीं। हमारा पैसा बर्बाद जाता है, हमारे ही लिए नुकसान पैदा करता है, क्योंकि तुम अलग अलग काम करते हो, टुकड़े टुकड़ों में काम करते हो, उससे रिजल्ट नहीं आते और बेकार होता है। तो यहाँ जितने भी मेरे साथी हैं और जितने भी वी द पीपल के लोग हैं या जो उसमें सुन रहे हैं, जो और भी लोग हैं, उनको सभी से ये कहना चाहिए, क्योंकि इस समाज में जितने अवसर हैं अगर वो एक दिन के लिए भी इकट्ठे हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपकी 50% समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने जो सेंटेंस कहा था कि देखो जब तक बुद्धिमान जानकार जागृत लोग आगे नहीं बढ़ेंगे काम नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है। और वो जागृत लोग भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने बाबा साहब की हर चीज का फायदा उठाया है, तो उनको इकट्ठा होना चाहिए, तो उनको और फायदा होगा। आप अफसरों से कहोगे भाई आप इकट्ठे हो जाओगे तो आपको और फायदा होगा, वो आएंगे फिर, क्योंकि अपने बच्चों के लिए और अपने फायदे के लिए आएंगे। आज की डेट में IAS अफसरों के बच्चे IAS नहीं बन रहे हैं, वो परेशान है। IPS अफसरों के बच्चे IPS नहीं बन रहे, परेशान है। वो जो बड़े अफसर हैं उनके बच्चे अब अफसर नहीं बन रहे, वो परेशान है। उनको हमारी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, यानी हमें उनकी जितनी जरूरत है वो तो बहुत कम है, उनको हमारी जरूरत ज्यादा है। इसलिए सही मौका है उनको बार बार ये कहना चाहिए भाई इकट्ठे हो जाओ, तुम 6 IRS हो, 6 अलग अलग काम करोगे, तुम्हें कौन पूछेगा? एक साथ इकट्ठे हो जाओ सारे सारे, तो एनर्जी ऊर्जा पैसा बचेगा, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हें देख के, तो बात बनेगी। धन्यवाद। थैंक यू सिद्धिराज जी। प्रियंबल उनसे लो, कटके साहब, साहब को इनवाइट करो। हमारे बीच आदरणीय EZ खोबरागड़े सर है, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, समाज कल्याण में वो कमिश्नर भी थे और एक एक्टिविस्ट IAS ऑफिसर हुए, और रिटायर होने के बाद भी वो काफी बड़ा आंदोलन चलाते हैं, अम्बेडकरी विचारधारा पर उनका काफी बहुत योगदान है। मैं उनसे यहाँ पर सभी के तरफ से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया वो प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का वाचन करें। मराठी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं सर। नहीं, दोनों में कर ले दो सर। हाँ सर, EZ खोबरागड़े सर। ठीक है, दोनों भाषा में कर लेते हैं सर। चलो, आपने इसके पहले मैं एक ग्रुप में आया था, काफी पहचान भी हुई थी, टाइम कभी कभी नहीं एडजस्ट होता, इसलिए आज मैं फिर आ रहा हूँ। वी द पीपल जो है ये कैंपेन संविधान का चला रहे, मैं सारे साथियों का को जय भीम करता हूँ, और आपने मुझे मौका दिया है, मैं संविधान का जो प्रियाम्बल है मराठी में है मैं वो पढ़ता हूँ। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। मैं अभी इंग्लिश का है और वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। और एक एक अच्छी पहल है ये कि अपना ग्रुप का डिस्कशन जब शुरू होता है या कोई विषय शुरू होता है या कोई समारंभ शुरू होता है तो उसको प्रियाम्बल पढ़ के शुरू करना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं अभी, हम खुद, हमारा संविधान फाउंडेशन की ओर से जो भी कार्यक्रम हम करते प्रियाम्बल पढ़ते हैं, और महाराष्ट्र में सारे सामाजिक संस्था जो बाबा साहब को और संविधान पे निष्ठा रखने वाले है वो प्रियाम्बल पढ़ने के बाद ही कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसे कि बुद्ध वंदना करते हैं तो प्रियाम्बल भी पढ़ते हैं, और ये धीरे धीरे अभी महाराष्ट्र में और बाकी जगह भी उसका प्रचार प्रसार हो रहा। तो इंग्लिश का जो प्रियाम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इन अवर कंस्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन थैंक यू जय भीम साधु 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 थैंक यू वेरी मच सर साधु 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 अनु जी चाय ज्यादा पी रहे अनु जी आप आए जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय जी बोलिए बस सर ये जो वी द पीपल है जी। बहुत अच्छा है मतलब इसमें भटकने का मुझे थैंक यू पढ़ के आगे आया है तो हम आज उसको पीछे करके उसको हम अपना ले ये वी द पीपल ऐसा नहीं है तो सबसे ये वी द पीपल बनाने वाले को बहुत बहुत साधुवाद और हम इससे जुड़े हुए हैं काफी समय से और आज हमें कहा गया है कि आप बोलिए तो आप बताएं बोलिए बोलिए अनु जी बोले बोले क्या बोलना चाहते हैं बोलिए जी जी बस सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि संगठन तो बहुत बने हैं लेकिन सर विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है हमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम बाबा साहब को मान तो रहे हैं लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं जो वो मुझे बता गए हैं हम उनका दिया हुआ तो सब कुछ ले रहे हैं लेकिन और हम समाज को जिसको कहते हैं कि पीछे ले जा रहे हैं हमारे समाज के संगठन के लोग स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं वो बात बोलते हैं जो मुझे नागवारा गुजरती है और मैं बोलती हूँ कि वो आप मत बोलिए वो बोलते हैं कि झाड़ू अभी आप नहीं सुधरे तो मटकी आ जाएगी और झाड़ू पीछे बंद जाएगी आप कौन होते बोलने वाले आपको ये राइट्स किसने दिया है बाबा साहब ने तो हमें सब हटा दिया और जो हमें दिया है आप राज तो कर रहे लेकिन आप किसको डराते हैं इस बात से मेरा ये संगठन के लोगों से कहना है कि वो किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं और वो बात कर रहे हैं जो संविधान विरोधी बातें हैं ये मुझे नागवारा गुजरती है और ये पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नियों को नहीं लाते अपने बच्चों को नहीं लाते अगर पढ़े लिखे हैं पत्नी है बच्चे हैं तो ला करके उनको औरों को प्रमोट करें आप कैसे बढ़े हैं उनको बताएं जो गरीब आके बैठते हैं हम गरीबों से पैसा ले आते हैं सब कुछ ले आते हैं हम उनको देते क्या है अगर हम शिक्षा देने लायक हैं हम पढ़े लिखे हैं तो हम कुछ मदद करें मान लीजिए हम नहीं जा करके हम नई संगठन में कुछ कर पा रहे हम पैसा दे रहे हैं तो हम संगठन वालों से कम ये तो कहें कि आप किसी गरीब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं तो हर जगह संगठन बनाए हुए हर जगह संगठन बनाए हुए तो मैं संगठन की विरोधी हूँ ये द वी द पीपल है मुझे इसका जो विचारधारा है आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी मुझे थी प्यास थी कि कुछ ऐसा हो मुझे मिले तो मैं उस पर कुछ काम कर सकती हूँ तो सर मैं यही बोलना चाह रही थी तो कानपुर से साथी जो है वो मैं वो जो ना अनु जी को ग्रुप में डाल ले प्रकाश जी को बोलिए प्रकाश जी को प्रकाश जी प्रकाश सिंह जी हैं क्या योगेंद्र जी के साथी और कौन है आजाद जी यस आजाद जी है डॉक्टर जी नंबर योगेंद्र जी है नंबर नंबर चैट बॉक्स में डाल दें मैम जी जी मैं नोट कर रहा हूँ डाल देंगे नंबर जी सर जी जी नहीं मेरे पास में नंबर ऑलरेडी इनका है पिछली बार भी जुड़ी थी अनु जी का है ठीक है बहन जी जुड़ी थी पिछली बार भी ठीक है थैंक यू अनु जी थैंक यू जय भीम नमो बुद्धाय थोड़ा आपके ऊपर एक कमेंट्स भी आया कि अनु जी क्या करते हैं थोड़ा सीखिए और पूछा जाए सर मैं समाज सेविका हूँ वैसे तो मैं गृहिणी हूँ मैं इस टाइम मैंने अपने दोनों बच्चों को पीएचडी करा के डॉक्टरेट की डिग्री दिला दी है
अब वो अभी बेरोजगार हैं और प्रयास कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ, जैसे हमने अपने बच्चों को बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि गरीब बच्चे जो है, गरीब बस्तियों के बच्चे हैं, तो मैं उनके पास जाके कम से कम उनको मोटिवेट करूँ, और कर भी रही हूँ मैं, जितना समय मिलता है तो मैं करती हूँ। मेरा हट गया। नहीं नहीं हटा रही, बोलो करमवीर जी बोलो। हेलो जी, अरे अरे अब आज हमारे साइड में आपके बार नरमा कपास बिल्कुल खत्म हो गया जी। अच्छा हाँ जी, लेकिन आप तो गलत बैठ गए, बनियान में बैठे हो। ओ सर जी, सर जी जमींदार आदमी थे जी, पता नहीं सर जी। तो बच्चों को पंखा पंखा लगाएंगे। हाँ जी गर्मी थी जी, इसलिए जी खेत में आए थे। मान के किसान की बात है। हाँ जी, बनियान निकाल दो, कुछ डाल लो। नहीं जी ना डाले जी, कुर्ता डालेंगे अभी जी, ना है गर्मी थी। तो बच्चों को भी, बच्चों को बैठाते हो? बच्चों को जी पढ़ रहे हैं बच्चे जी, बीए गुड़िया एमए में है जी। तो बच्चों को पता होता है मीटिंग चलती है? हाँ जी बच्चा को पता, तो बच्चों को मैं बताता हूँ। बच्चे अभी फोन लगा नहीं रहे, लगाएंगे। जब बच्चों की नहीं नहीं इसी में, जब बच्चों की क्लास आती है उस दिन लगाया करो, बच्चे सुने थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जिस दिन धमकी क्लास होती है उस दिन जरूर लगाओ। घर में अच्छा ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर रहे हो? नहीं जी पूजा पाठ नहीं कर रहे जी, पूजा से हमने नफरत है जी। हमारे बाबा साहब की पूजा है भाई हमारे दिल में। ठीक ठीक ठीक, आप सारे बहुत आते हैं, एनरेज कर देते हो आप। हाँ जी मैं तो जी शाम को बेला होता हूँ, उस टाइम पर सर जी आपकी हाजिरी जरूर लगा लेता हूँ। हाजिरी जरूर है जी। जब तक अंतिम सांस है तो एंगेज कर देता है, जब तक अंतिम सांस है नहीं तब तक जी जी बाबा साहब की सेवा करनी है। क्या बात क्या बात, थैंक यू। अंतिम सांस तक जी, सब कुछ बाबा साहब की वजह से ही है। हाँ जी सब कुछ इनकी वजह से है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी थोड़ा पढ़े लिखे रहेंगे जी, इतना भी किसान है, किसान खेती करते हैं और हमारी मीटिंग में लगातार आ रहे हैं। हाँ जी इस मीटिंग में ये जो ना, तो कैसा लगता है आपको करमवीर जी? जी हमें वो आपके विचार सुन के जी बहुत अच्छा लगता है सर जी। बच्चों को बोलो पढ़ाई करें, ठीक है? हाँ जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं जी। पापा के लिए भी कमीज ला दो आप। हाँ ले भी डालूंगा जी एक मिनट में जी। अभी ले आए जी, डालो ठीक है। हाँ डालो जी सर जी एक मिनट ले बात करिए। अरे क्या करते हो आप, क्या नाम है आपका? आप बैठो माइक के आगे, क्या कर शर्मा क्यों रहे हो? हेलो सर जी। हाँ ठीक किया। हाँ जी जी, ये अपने बच्चों के लिए कार्यक्रम कब होता है सर जी? है? अपने बच्चों के लिए कार्यक्रम कब होता है? बच्चों का? हाँ जी बच्चों का बता देंगे, उसमें आप देखते हो घर। 20 तारीख को, 20 तारीख को महिलाओं को बच्चों का होगा। अच्छा जी, इनको बाबा साहब के बारे में जी फुल जानकारी दी हो सर जी। महिलाओं का और बच्चों के बारे में 20 तारीख को। हाँ जी, इनके सब बच्चों को जी बाबा साहब के बारे में फुल जानकारी दी हो जी। वो जानकारी तो 9 बजे रोज मिलती है, बैठ जाएगा उसमें बच्चे जी। हम तो बच्चे भी बैठते जी, फिर फोन आने। कई बच्चे जी गांव में कहते हैं जी क्या है, पढ़े लिखे बच्चे, कुछ बच्चे अनपढ़ है जी, वो कहते क्या है क्या है। मैंने जी बाबा साहब की सेवा करी है जी, गांव में पार्क बनवा रखे है बाबा साहब के नाम से। जब तो आप रोज जुड़ते हो। हाँ जी बाबा साहब गए जी, तीन कनाल पड़ी थी जिसको पर बाबा साहब जी पार्क बनवा दिया, स्टैचू खड़ी कर दी सर जी बाबा साहब की। और सर जी उसकी पौधे पौधे की देखभाल मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ फ्री में जी, फ्री में करते हैं जी। तो फ्री में कौन से आपने नोट मिलेंगे? नहीं जी कई कहते इसको तनख्वाह मिलती है ना, मैं फ्री में सेवा कर रहा हूँ जी। शहरों में गाँव में अभी वो पॉलिसी आई नहीं अभी ना जी। गाँव में है जी, हमने तो किया बाबा साहब की जो कमेटी बढ़ा रखी हमने। अच्छा, कमेटी से काम होता सर जी। छोटी मोटी लाइब्रेरी और बनाओ वहाँ। बना दिया जी, अंबेडकर भवन बनवा दिया जी, उसमें लाइब्रेरी भी बनाओ छोटी सी। हाँ जी छोटी बनाई जी, हमारे जो अब की बार जो सरपंच है जी उसने अंबेडकर भवन बहुत बढ़िया बनवा दिया जी सर जी।
बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ बहुत बढ़िया बना दिया जी। चलो हाँ लाइब्रेरी भी खोलेंगे जी, कोई बच्चे अभी कोई पढ़ा लिखा बंदा आएगा नहीं जी, उससे कहेंगे लाइब्रेरी खोलेंगे जी। ठीक है ये बच्चे जी अपने तो सारे एस सी वाले हैं जी, हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में सारे पढ़ रहे, जितने बच्चे जी फुल पढ़ रहे हैं जी सर जी, गांव में और सबसे आगे निकलते हैं सब बच्चे। हाँ जी नमोबुद्धा जय भीम सर। हाँ जी, हाँ जी लखपत जी कैसे हो सर? बढ़िया, आप सुनाइए सर। बढ़िया बढ़िया, सबको जय भीम नमोबुद्धा है। जलंधर ठीक हो? आप बताइए। नमो बुद्धाय जय भीम सर। जी 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 जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी लाल जी। जी बिल्कुल सर, बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। बढ़िया बढ़िया। सत्यवान जी जय भीम नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को, सत्यवान कलकत्ता से बोल रहा हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ सर मैं। जय भीम सत्यवान जी, जय भीम नमो बुद्धाय। पटेलाल जी को पूछो कहाँ के हैं, देखो कहाँ बैठे, गुजरात में बैठे। मैं सर गुजरात में बैठा हूँ, सूरत में रहने वाला, राजस्थान का। अभी अभी इनको भी भुला के हम सब ने बोला, हम सब एक ही घर के आदमी है, वो है वीदा पीपल और इंडिया, बस वी आर इंडियन। इससे क्या होता है, बताने से क्या होता है कि हम आपस में दूसरे से जुड़ते हैं, इससे भिन्नता नहीं आती है। सब हमारे आदमी है, पूरा देश हमारा आदमी है, पूरा सब। चलो मान लेते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर की एक एक बात को फॉलो करना पड़ेगा यदि हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो। सर बाबा साहब ने बोला वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। बस बस यस, और इंसान है हम, ये जात भी खत्म करना है, धर्म को खत्म करना है। नहीं वो तो हाँ है ही है, और इंडियन हो गए बस खत्म, उसमें कोई जाति पात नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब लोग इसका शेड्यूल कास्ट को भी नहीं मानते, जानते क्या है? अरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल में तो एक लिस्ट होती है, लिस्ट है, अनुसूची, बस लिस्ट है वो। जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। करमवीर जी जय भीम जी, डॉक्टर साहब जय भीम, मैडम जय भीम, जय भीम नमो बुद्धाय जी, कटके सर जय भीम, जय भीम जय भीम। अच्छा आज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, करमवीर जी और कटके जी, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ऊपर के बाल नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं फर्स्ट टाइम मैं तो सुनूंगी, और फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है कॉम्बिनेशन आप लोगों का। ए स्क्वायर हो गया मैडम, के स्क्वायर। अच्छा राइट 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 राइट। सर कट कट के जी से मैं एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ, क्योंकि ये शंकाएं भी हमें खराब करती हैं। हाँ बोलिए ना सर। बच्चों के आगे हम यदि अभी बुद्धिस्ट लिख दे कहीं भी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चों को? क्या दिक्कत है, ये देश सारा बुद्ध का ही देश है ना। नहीं वो सही है, वो सारी बातें सही है, लेकिन जो हमारे दुश्मन है वो ढूंढते हैं इस तरह की चीजों को, ढूंढते हैं और फिर उसमें उलझा देते हैं। हाँ इसलिए जानना चाह रहा तो बच्चों को उस काबिल बनाना होगा हमें। नहीं काबिल तो बना रहे हैं, लेकिन अभी हम कहीं बच्चों का सर्टिफिकेट है, एडमिशन ले रहे हैं, उसमें बुद्धिस्ट शो कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, बुद्धिस्ट लिखा करो, जैसा हम बुद्धिस्ट लिखते हैं वैसा बुद्धिस्ट दिखते भी है, तो दिखने में और लिखने में भी समानता होनी चाहिए। और ये जो 2021 वाला जो सेंसस आएगा जनगणना, उसमें काफी ये होने वाला है, हमने खुलकर लिखना है। तो जी सर खुलकर लिखना चाहिए। और जो अपना आरक्षण है, आरक्षण पे क्या है सर? नहीं आरक्षण मिलेगा ना, बुद्धिस्ट को मिलता है भाई, महाराष्ट्र के अंदर नहीं मिलता क्या? किसका क्वेश्चन है, कौन पूछ रहा है? इजेड खोबरागड़े सर जय भीम नमो बुद्धाय।
ये रिजर्वेशन वाली बात कौन पूछ रहा है? जय भीम एक लड़का है सर, ये मनीष गौतम सर। नहीं सर, शंकाएं है बच्चों की, वो दूर करनी चाहिए। नहीं, बता रहे थे, पूछ ही रहे ना, पर उनको इसलिए आगे ले रहे ना, स्टेवान जी बता रहे हैं। शंकाएं दूर करो, लेकिन कई स्टेट में सर पूछ रहे हैं। नहीं, कई स्टेट सर। सुधीर राज सिंह सर सर कई स्टेट में बैन किया हुआ है। हमारे बीच इजेड खोबरागढ़ से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, सेकंड टाइम है सर, सोशल वर्कर में, हाँ सोशल वर्कर में कमिश्नर थे, तो उन्होंने जो प्रीएम्बल का जो सारे महाराष्ट्र में लागू करा दिया था स्कूलों में, हाँ उन्होंने बताया था, एक बड़ा योगदान है। एक बार काफी उनको टाइम उन्होंने दिया था हमें, और काफी कुछ बताया था, उन्होंने बताया था कि पहली बार उन्होंने दीवार पर लिखवाया सब कुछ, हाँ यस, और संविधान क्या बोलते हैं प्रीएम्बल पूरा उन्होंने बताया, वो अभी भी लगे पड़े हैं काम में। यस सर, वो समता दूत, ये सारी आइडिया सर की है। हाँ, और वो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ा वीदा पीपल में सक्रिय हो जाएं तो अच्छा रहेगा सर। अपना वीडियो ओपन कीजिए ना इजेट सर, एक्चुअल में जब ऐसे ऐसे हमारे अधिकारी सामने आएंगे ना, तभी जाके समाज को बल मिलेगा, क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन वो जो दुश्मन है हमारे, वो हमें पीस देते हैं, वहां से हमें फिर कुछ मिलता नहीं है। यदि ऐसे बड़े अधिकारी अच्छी सोच के आएंगे तो निश्चय ही हम अपने टारगेट की तरफ जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे। चलो, एक वो साथी का क्वेश्चन रह गया था जो पूछ रहे स्टेवान जी, उनको अपने इनको जो ना साहब को जब हमारे पास ज्यादा आएंगे, हो सकता है वो कटके साहब आज प्रियम्बल से उन्हीं से करवाएंगे। कौन करेगा प्रियम्बल? जो अपने आई साहब जो आईएएस है ना, उन्हीं से करवा देंगे। वो इजेट सर हिंदी में है क्या आपके पास प्रियम्बल का? है ना, हिंदी में है ना, तो आज प्रियम्बल पढ़ना है सर। अभी कुछ देर के बाद शुरू करेंगे, तो आज ही उसके ऊपर हम लोग संख्या अगर जब 50-60 के ऊपर जाती है तो प्रियम्बल पढ़ के शुरुआत करते हैं ऑफिशियल। आज की मीटिंग का जो प्रियम्बल पढ़ के शुरुआत करना है कटके सर, उनको बोलो कि मराठी में पढ़े तो अच्छा रहेगा। अरे मराठी में तो सर ने शुरू किया था सारे महाराष्ट्र, ऐसा ना, हम यहाँ इसमें पढ़ चुके हैं, मराठी में पढ़ सकते हैं, मराठी और इंग्लिश में दोनों में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में पढ़ देंगे। क्या शुरू करना है क्या? नहीं सर, 50 के ऊपर नंबर होने के बाद वेट कर, हम बताएंगे सर। आप बताइए। हाँ हाँ, तो अच्छा कटके साहब, एक साथी का क्वेश्चन था कि रिजर्वेशन बुद्धिस्ट बनने के बाद रिजर्वेशन मिलेगी कि नहीं? साथियों, बुद्धिस्ट बनने के बाद रिजर्वेशन ज्यो की तो मिलेगी। देश में तीन धर्मों को माना जाता है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट। जो तीन धर्मों को मानता है उसको रिजर्वेशन का लाभ जैसे आपको पहले मिलता रहा ऐसे मिलता रहेगा। ये जाति आधारित आरक्षण है, और इन तीन धर्मों में जो जातियां, जितनी जातियां जो इसमें चिन्हित की गई है, उन्हीं सभी जातियों को रिजर्वेशन का बराबर आपको हक मिलता रहेगा। उस साथी इस बात के भी विरोध करते हैं कि जब बुद्धिस्ट बन के तो जाति नहीं है साथियों, वो बेनिफिट जब तक हमें लेना है, जब तक ले सकते हो लीजिए। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी आ चुकी है कि मैंने रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं बगैर रिजर्वेशन के जो है ना कोई भी एग्जाम, कोई भी काम अपना इजिली कर सकता हूं, तो वहां आप छोड़ सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। तो अभी हमने कई तरीकों से चलना, कई रास्ते अपनाने हैं कई, तो इसलिए जो साथी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका यही जवाब है कि रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ ठीक सर। सर लेकिन सर एक ये भी है, यदि हम जो सर्टिफिकेट एससी का बनवाते हैं उसमें बुद्धिस्ट लिखते हैं एससी लिख के, तो बदमाश लोग ऑफिसों में वो सर्टिफिकेट ही नहीं इशू करते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है, इस पे भी थोड़ा काम किया जाए। सत्यवान जी वो करते हैं, लेकिन उसके लिए रोक नहीं है, उसके लिए हमें वन बाय वन अभियान चलाना है, और उसके लिए जैसे जैसे हमारी ताकत बनेगी हम जाएंगे तो वो बनेगा। कई प्रॉब्लम है उनको बात नहीं बनेगी। लेकिन सर मैंने अभी बच्चों का बनवाया राजस्थान में, वहां पे कोई धर्म का कॉलम ही नहीं है सर्टिफिकेट में। नहीं सर उसमें धर्म का है ही नहीं, कॉलम ही नहीं। दोबारा देखिए, धर्म का कॉलम है सर, सत्यवान साहब आप व्हाट्सएप कीजिए उसको।
इस बार जनगणना में सभी बौद्ध धर्म लिखवा लो, सीधा सा हिसाब है। हाँ वही हम उसी के ऊपर चर्चा चल रही परिवार से, 1 करोड़ से 20 करोड़ हो जाओ इकट्ठे, ये पूरे लिखवाना है। अगर ये नॉर्थ इंडिया में सीरियसली लिखा जाता है तो बुद्धिज्म की संख्या एकदम जोर से बढ़ेगी, क्योंकि पिछले जनगणना में का ये तो महाराष्ट्र और कई जिन राज्यों में कन्वर्जन बाबा साहब के वक्त हुआ था उन्हीं लोगों ने दर्ज किया था, लेकिन इस जनगणना में हमें बहुत बड़ा चांस है कि हम बुद्धिस्ट लिखे ताकि वो नोटेबल नंबर हमारा आ जाए। कटके साहब उसके लिए मैंने बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, हरियाणा में हमने बहुत अभियान चलाया था, प्रियार जी तो अभी बाद में जुड़े हैं, बाद में इनको बुद्धिज्म या अम्बेडकरवाद समझ में आया है, उससे पहले हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया और बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए, लेकिन क्या था हमारे लोगों ने फार्म भरने के बाद भी उसमें बोध नहीं रहने दिया, क्योंकि वो उसको डिलीट कर दे या कुछ भी कर देते हैं या आगे पीछे आते हैं कुछ भी अपने आप टिक मार कर लेते हैं लोग, तो ये भी हमें वो पेंसिल से ना लिखे, वो पेन से लिखे हमारे सामने। हाँ ये चर्चा करनी होगी, इसके ऊपर हमें अभियान चलाना होगा जैसे ही नजदीक आएगा, जैसे हम रोज जूम पर भी बोल रहे कि भाई हम अपने उस कालम में ये लिखे, ये बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा हमें और बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यस यस यस। नहीं तो सर करमवीर जी हमारे पास हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट कहाँ है? सुनिए वो सुनिए मेरे मेरे को जब मैंने ये कहा, मैंने ये चीफ सेक्रेटरी को लिखित में दिया कि मेरे कालम में सर्विस कालम में बुद्धिस्ट लिखे, उनका लेटर आया, मैं मिल गया तो दिखाऊंगा कि भी आप ही मैं जो है ना बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट लेके आए, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को पता क्या लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा सर ये जो आपने लेटर लिखा है आपने कौन से धर्म का सर्टिफिकेट लगाया, मैंने उसकी कॉपी दीजिए। सही बात है। सेम डे मेरा बुद्धिस्ट नाम इंटर हो गया था। वही तो कह रहा हूं हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट कहां है हमारे पास। बिल्कुल हाँ। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ये मेरे साथ घटना घटी थी हरियाणा सरकार में, और एक हमें इसी तरह का आर्गुमेंट करते आना चाहिए तभी वो मानते हैं। जी 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 सर 47 हो चुके हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी का नाम लिखकर मांगा कटके साहब। हां कटके साहब। हां बोलिए ना सर। मेरे पास में कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि जी हम उसको बुद्धिस्ट मानते हैं जो बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट होता है, आपके पास सर्टिफिकेट है क्या, आप इतना धम का काम करते हैं? मेरे पास तो मैं तो 1989 में जब निकला था तब मैं पहला ही आदमी था, मैंने निकाला था। सुनिए ना सुनिए ना, आचरण से बुद्धिस्ट होना चाहिए इससे मैं सहमत हूं। सुनिए सुनिए सर सुनिए। हाँ मैंने उसको कहा देश मेरा बुद्धिस्ट है, पूरी दुनिया कहती है मैं सर्टिफिकेट लूंगा या दूंगा तुम्हें भाई, बुद्धिस्ट के अलावा जो लोग हैं वो मेरे से सर्टिफिकेट लेने आओ तुम लोग, मैं सर्टिफिकेट लेने क्यों जाऊंगा, मेरा तुम प्रूफ कर दो कि मेरा देश बुद्धिस्ट नहीं है मैं सर्टिफिकेट ले लूंगा। वो भागे सारे सारे। अरे भैया जो बहुमत में होता है जिसका देश होता है वो बाहर के लोगों को सर्टिफिकेट देता है कि तुम्हारा ये वीजा है, तुम्हारा ये पासपोर्ट है, तुम्हें मैंने इमिग्रेशन दिया, तुम्हें मैंने यहाँ का सिटीजनशिप दी, मैं दूंगा तुमको। तो बात उनको समझ में आ गई, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना दाल रोटी चलाने के लिए और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि हम तो इस देश के हैं नहीं, तुम हमें सर्टिफिकेट दो। देखो कितनी कमाल की बात है, वो बाहर के लोगों से अपने होने की आइडेंटिटी मांग रहे हैं। नहीं वैसे तो सर कोई प्रूफ नहीं मांगता है, लेकिन क्या जो टारगेट करके अपने बुद्धिज्म पे रखे हुए हैं वो ही मांग, अगर जो अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं मांग। सर मैं सत्यवान इसके बारे में एक मिनट लेना चाहूंगा, जो हमारे सुधीर राज जी बोल रहे हैं ये ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहां वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, वो मानते ही नहीं, फार्म कैंसिल कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो वैसे बहस करने से नहीं होता। कई स्टेट में बैन किया हुआ है, यूपी में, मध्य प्रदेश में बेकायदा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कोई नहीं करेगा, बोलो क्या करोगे? हाँ सर मैं भी श्रीमान जी क्या नहीं करेगा, यही चेंज नहीं कर सकता। नहीं नहीं ऐसा कोई नोटिस नहीं है, सर एमपी में है वो डीएम से कुछ आदमी 50-100 जाके मिलेंगे और वो देगा, तो परमिशन लेना पड़ेगा, वही है ना, आप तो बैन की बात कर रहे हैं, परमिशन की बात कर रहे हैं। सत्यवान जी सर सारी समस्या की जड़ एक ही है, रोज तो बताते हैं 9-9 बजे क्या इसका सोल्यूशन है, जब आप सोल्यूशन पे आ जाओगे तो वो खुद कहेंगे आपसे कि मेरे आका बताओ
आप एग्री सर एग्री, जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे जो ऑफिसर इस लेवल पे बैठे हैं उन्होंने मदद करनी चाहिए इस तरह के जो एंड्रेज हो गया है। करमीर जी 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 शुरू कर लो। अभी कितने आदमी हो गए? अभी तो 50 हुए नहीं है, 50 नहीं होंगे, होंगे 50 49। लो एक और प्रीएम्बल एक और कर दिया एंटर मैंने। हरिहर सर शुरू कीजिए। संविधान करें करें आप परमवीर जी और आप महाराष्ट्र से बुला लीजिए। हैंडरेज है उषा तोमर जी का, उनको बोलो। उषा तोमर जी का हाँ सर, उषा तोमर जी का हैंडरेज है तो सर इनका इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। हाँ उषा तोमर मैम प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय। उषा तोमर तोमर मैम बहन जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे बीच राजेश गुजर साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना परिचय दीजिए। कटके साहब तोमर मैडम उषा जी बोल रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अच्छा 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 उषा मैम बोल रही हैं। बोली बोली हाँ, हाँ, अपना अनम्यूट करें मैडम। अनम्यूट उषा बहन जी आ गया आ गया। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैं उषा तोमर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। वैसे घर में मैं छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाती हूँ और मैं यही दिल्ली में रहती हूँ। आज सर कटके सर आज पहला डे है इनका, पहली बार इन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा आपको लिंक कहाँ से भेजा बहन जी, किसने भेजा आपको? नैन सिंह भारती जी ने लिंक भेजा है। अच्छा सर मैंने ज्वाइन कराया इनको। ओके 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 थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए और अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ओके सर। सर पूरे परिवार को लेके बैठे हैं मैडम, वन बाय वन सभी का करवाओ। हाँ ये सर बैठे हैं सर, इनके हस्बैंड बैठे हैं सर, ये इनके हस्बैंड बैठे हैं, ये भी टीचर हैं और ये दोनों ही टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। हस्बैंड भी बैठे हैं, बच्चा भी है, शायद में पीछे बच्चा भी दिख रहा है मुझे। हाँ बेटा भी है धराज। हाँ बेटा आपका परिचय दीजिए। नमो बुद्धा जय भीम बोलना अपना परिचय दे। नमो बुद्धा जय भीम, मेरा नाम डेविड राज है। मेरा नाम डेविड राज है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। और मैं 14 साल का हूँ। आप क्या बनना चाहते हो बेटे? आपकी इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैं। इंजीनियर बनना चाहते हो? वेरी गुड वेरी गुड। इंजीनियर की बात कराओ सुनने में जो ना परिहार जी की बात कराओ बेटे से, इंजीनियर कैसे बनेगा? हाँ हाँ उषा मैम करेंगी, ये सर हैं सर, करिए बात करिए सर। सर हमारे बीच राजेश गुजर साहब है, राजेश गुजर साहब अपना परिचय दीजिए। सभी को जय भीम नमोदय। जय भीम नमोदय। मैं यवतमाल महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ और काफी दिन से मैं इससे जय भीम नमोदय। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल शासन के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ और कटके साहब मेरे ऑफिस में मेरे जिला उपनिबंधक है और उन्हीं की काफी बार जुड़ा हूँ और काफी बार जुड़ा रहता हूँ। इसके पहले भी मैंने 2-3 बार इंट्रोडक्शन अपना दे दिया है और मेरी सामाजिक कार्यों में काफी रुचि है और कटके साहब के मार्गदर्शन में मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं और उनके साथ ही रहता हूं और कटके साहब का जो भी रहता है कार्यक्रम उसमें मैं सम्मिलित होता हूं। यही मेरा शॉर्ट परिचय है, अगर आप कुछ चाहे तो। हेलो थैंक यू वेरी मच गुजर सर। थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। जो नए लोग आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आपका परिचय जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें चर्चा भी करनी है काफी और अपना परिचय भी होना जरूरी है। सर ये होंगे सर, ये मनीष बोध जुड़े हैं विदिशा मध्य प्रदेश नए। हाँ यस 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 मनीष बोध सर प्लीज। सर भी थे। हेलो हेलो सर, मेरा नाम मनीष बोध है और मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ लायरा से, और अभी इस साल मैंने 12th पास की है बायोलॉजी से और बेसिक से स्टूडेंट हूँ और मतलब फार्मर है और विलेज में रहते हैं। अच्छा हाँ
चलो थैंक यू वेरी मच। अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ दिए सर माय एड्रेस के, और मैंने 2019 के लगभग और मैं और पूरा परिवार को मैंने बुद्धिस्ट कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया। नए साथी sir. कोई है तो कृपया अपना परिचय दिए। विशाल, विशाल कौन है? विशाल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। विशाल जी, मालती मेश्राम है। हाँ मालती ताई मेश्राम यवतमाल से, अपना परिचय दीजिए मालती ताई। नहीं सर मैं यवतमाल से नहीं हूँ, अमरावती से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमरावती से, अमरावती से। हाँ, दूसरी मालती ताई भी यवतमाल से है, वो जुड़ने की अभी। हाँ मालती ताई प्लीज अपना परिचय दीजिए। सर मैं डीबीएटी में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन है मेरी, तो मैं इसके लिए अपने लिंक आ गई तो मैंने खुद खोल के देख लिया, ये लिंक पे ज्वाइन हो गई मैं। अच्छा मैं अमरावती से हूँ। हाँ आपको भी पहचानती हूँ सर, मैं आपकी यहाँ भी बहुत सर आए पसंद। मैं अमरावती वाले जितने भी हैं अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, मेरा अमरावती में आना जाना रहता है। यस यस, कभी आएंगे तो हमें बताया करें सर। बिल्कुल सर, आपसे तो बिना मिले मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। अरुण ठावरे सर है हमारे बीच, अरुण ठावरे जी, अरुण ठावरे जी क्या हमारी बात सुन रहे हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। अरुण ठावरे साहब, डॉक्टर योगेश, योगेश जी हमारे बीच है। डॉक्टर योगेश जी, अभी हम इजेट खोबरागढ़ से एक सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने बारे में बताइए। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, पर यहां पर हम लोग जो भी आते हैं उनसे परिचय कराते हैं ताकि सब लोग जान सके कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है। मैं आदरणीय इजेट खोबरागढ़ सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपना परिचय दें। मेरा परिचय, मैं इजेट खोबरागढ़ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूं। महाराष्ट्र में बहुत सारे मैंने भी पदों में काम किया, उसे काम से तो एक प्रेरणा भी मिली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक विचारों की, और एक संविधान ने जो मौका दिया उसे। अभी जैसे कटके साहब बोल रहे थे, मैं 2005 में जब नागपुर जिला परिषद सीईओ था, तब ये देश का संविधान और उसका प्रियाम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ध्येय उद्दिष्ट है, तो वो बच्चों को, शिक्षकों को और उनके माध्यम से घर घर तक पहुंचे, इस उद्देश्य से हमने वो एक अभियान अपने अधिकार में चलाया था, संविधान नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ओढ़क के नाम से। फिर वो महाराष्ट्र में 2008 में संविधान दिन 26 नवंबर को सेलिब्रेट करना शुरू किया। वो काम हमने 2005 में ही नागपुर में शुरू किया था, और अभी देश भर 2015 से संविधान दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि देश के संविधान के बारे में लोग जाने, उसके अपने अधिकार के बारे में जाने और अपने कर्तव्य के भी बारे में जाने, और वो जो जो सामाजिक आर्थिक विकास शैक्षणिक विकास का कार्यक्रम है उसके बारे में भी सजग हो, जो कानून बनता है संविधान और कानून का सम्मान हो और उस पर अमल करे, क्योंकि ये संविधान की वजह से ही हम लोगों को मौका मिला है, और जिसको भी जो कुछ भी मिला है देश में वो संविधान के बाहर, इंडिपेंडेंस के बाद किसी को कुछ नहीं मिला है। तो जो संविधान का अगर हम सही माने में अमल करेंगे, उस पर निष्ठा रख के काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को मजबूत करेंगे। और ये संविधान जागृति का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम समझ के हम एक संविधान फाउंडेशन के नाम से कार्यक्रम करते हैं, विविध प्रकार के कार्यक्रम करते हैं हम। मैं अभी एक संविधान की पाठशाला करके हर सैटरडे को 6 बजे एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसमें लोगों को बुला के जो वास्तव के आज के विषय भी है
सिर्फ संविधान नहीं तो संविधान है और उसके जो संरक्षण के विषय है, उनके आरक्षण के विषय है, सामाजिक आर्थिक विकास के विषय है, महिलाओं के विषय है, फार्मर के विषय, इसमें एक चर्चा होती है और एक प्रयास है कि इसका प्रबोधन करे, लोगों तक ले जाने की काम करे, लोगों को उसको एम्पावर करने की एक प्रोसेस है। तो एक छोटा सा काम हम एक पहल संविधान फाउंडेशन के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद मैं कर रहा हूँ और सेवा में था तब मैंने ये उपक्रम चलाया था जो अभी देश भर चलाया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है और आप ही ने महाराष्ट्र में शुरुआत की थी इसीलिए हम आपसे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच नंदेश चिंचोड़े साहब है। नंदेश चिंचोड़े सर, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अपना परिचय दीजिए नंदेश चिंचोड़े सर, अनम्यूट कीजिए। यस ओके, सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ये विद द पीपल ये प्रोग्राम को बहुत बार जुड़ा हूँ और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कटके साहब जी की तरफ से बहुत बार ये प्रोग्राम की जानकारी मिलती है और मैं शिक्षक की तौर पे यवतमाल जिले में काम करता हूँ। यही छोटा सा मेरा परिचय है। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। हाँ करमवीर सर, आपने आपके तरफ से लीजिए ना प्लीज, और कोई नए हो तो साथी। सर अभी 5-7 मिनट लीजिए, मैं अभी खाना खाने लग गया सर। अच्छा परियार सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ रमेश कटके सर। हाँ यस यस जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर, मैं डॉक्टर स्वामी लखनऊ से। हाँ डॉक्टर साहब। यस यस यस। हाँ सर, ये लखनऊ से मेरे माननीय ये श्री केशव प्रसाद सर जुड़े हुए हैं, केशव राम साहब। यस उनको इनवाइट कीजिए ना। मेरी आवाज सुनना है तो कृपया आए सर, परिचय दें। डॉक्टर केशव प्रसाद सर लखनऊ से। केशव सर क्या आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? हिंदुस्तान लिमिटेड से लखनऊ से सर। केशव सर आप जुड़े हुए हैं, आवाज सुन रहे हैं तो आए अपना परिचय दें। ये डॉक्टर बहादुर सिंह सर जुड़े हुए हैं, शायद आगरा से हैं सर, आप आवाज सुन रहे हो तो आए अपना परिचय दें। डॉक्टर बहादुर सिंह आगरा से। हाँ वेलकम सर, आइए आप अपना माइक अनम्यूट करिए सर। हाँ वेलकम सर, वेलकम। मैं डॉक्टर बहादुर सिंह, मैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी से 2013 में रिटायर हुआ हूं और इस समय मैं आगरा में सेटल्ड हूं और आगरा में कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं काम करता रहता हूं लोगों के साथ में। वी द पीपल से कब से जुड़े हुए हैं सर, कितने दिन हो गया? कभी नहीं हो पाता हूँ, मैं एक महीने से जुड़ा हुआ इसमें। मुझे शायद डॉक्टर सर विद द पीपल डॉक्टर स्वामी नहीं, आप ही ने जोड़ा है डॉक्टर साहब। वेलकम सर वेलकम, मैं पहचान गया आपको। हाँ डॉक्टर सत्येंद्र को भी शायद आप जानते हैं, सत्येंद्र कुमार। हाँ हाँ जानते हैं सर, जानते हैं। हाँ वो मेरे बेस्टमेट हैं। सर मैं ये जानना, मेरे साथ ही रहते हैं, वो भी बगल में ही रहते हैं। जी सर मैं ये जानना, सर आप एक महीने से जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि वी द पीपल आपको कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है जी, इससे एक दूसरे के बारे में जानकारी और बहुत सारी सामाजिक चीजों को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उससे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए सभी को धन्यवाद। और ऐसे जुड़े रहें, अपने विचार भी देते रहें और दूसरों के विचार भी लेते रहें, ये बहुत अच्छा विचार है। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, आप जुड़े। बहुत सहमत हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, नमस्ते।
जय भीम सर। हाँ हाँ जय भीम सर, जय भीम। हाँ ये माननीय केशव प्रसाद सर लखनऊ से आपका हैंड रेज है, कृपया आए अपना परिचय दे सर। केशव प्रसाद सर लखनऊ से यार। सर आप हैं, कृपया बोलिए। केशव प्रसाद सर लखनऊ से। केशव प्रसाद सर आवाज सुन रहे हैं? केशव प्रसाद सर आप अगर आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो कृपया आए अपना परिचय दें सर। नेक्स्ट को बुलाया जाए, किसी नेक्स्ट दूसरे साथी को बुलाया जाए, वो लग रहा आवाज नहीं सुन पा रहा है। सर नूतन जी दिल्ली से नजर आ रही है, नूतन जी का इंट्रोडक्शन ले लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ मैं नूतन दिल्ली से, मेरा पूरा नाम है नूतन अंबादास खड़से और मैं दिल्ली में एज ए टीजीटी साइंस टीचर हूँ और इस प्रोग्राम के लिए मैं सुधीर सर के जो वीडियो देखती हूँ उसमें से मैंने लिंक प्राप्त किया और मैं कल ये क्लास ज्वाइन की थी मैंने फर्स्ट टाइम, आज सेकंड दिन है तो मुझे बाकी जानकारी नहीं है, मैं समझना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ और इसे किस तरह से आगे ले जाया जाए ये भी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए जिससे कि हम सबको जोड़ सके और मैं मतलब इसमें शामिल हो जाऊँ। थैंक यू। मैं अपने परिवार को भी जोड़ना चाहती हूँ, हस्बैंड वगैरह आजकल शिविर में गए हैं इसलिए वो नहीं जुड़ पाए, तो मैं सभी को जोड़ने मतलब जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगी और मैं खुद इसमें आगे जाना चाहती हूँ तो मुझे आप मार्गदर्शन करें थोड़ा सा। नूतन बहन जी इसमें बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत और सुधीर राज सर का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन साधुवाद। नूतन बहन जी मैं सुधीर राज से बोल रहा हूँ। थैंक यू बहन जी। नूतन बहन जी जी सर, ओ इसमें ना हमारा पिकनिक होगा 17 तारीख को बुद्ध जयंती पार्क में दिल्ली में। जी सर। तो आप पिकनिक में 2-4-5-10 परिवार के साथ में आइए। मनीषा बहन जी इनका नंबर ले लीजिए आप। मेरा नंबर दे दिया मैंने, एड्रेस भी दे दिया सर। ठीक है, तो आप परिवार में पिकनिक में आइए सब लोग ना, पिकनिक में वहाँ 100-200 फैमिली आने वाली है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बात भी करेंगे डॉक्टर लाल सिंह जी और बाकी लोग भी अलग अलग बात करेंगे। जी सर ठीक है, थैंक यू सर, आपके वीडियो से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं एक धम्म सहायक हूँ तो मैं बस धम्म का आचरण खुद करती हूँ और मैं चाहती हूँ अपने परिवार और समाज में भी थोड़ा सा सहायक करूँ। थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, जुड़े रहिए। जी सर थैंक यू। जो भी साथी नए आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो अपना हैंड रेज करें प्लीज, ताकि पता चले, तो अपना परिचय दे दें हैंड रेज करके। परिहार सर डॉक्टर रंजना जी का हैंड रेज है। हाँ डॉक्टर रंजना जी आप आए, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज। डॉक्टर रंजना। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं डॉक्टर रंजना वनकर गुजरात भावनगर से हूँ। बहुत बढ़िया, वेलकम आपका। थैंक यू सर, मैं पहली बार आपके कार्यक्रम में जुड़ी हूँ थ्रू डेरीज में, मुझे खुद नहीं पता किसी पर्सन ने ऐड किया, अभी इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है डेरीज का, उसमें आपका लिंक आज मैंने देखा और मैंने ज्वाइन किया, अच्छा लगा, काफी अच्छा आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन किया है प्रोग्राम का और मैं आप लोगों से कुछ सीख कर मैं भी आप लोगों की तरह बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। थैंक यू मैडम, आप जुड़े रहे, आज अभी आपको यही जुड़े रहोगे तो सब पता चल जाएगा, कंसेप्ट भी उद्देश्य इसका जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में और गुजरात से और भी है शायद, लिंक छुट्टनलाल जी है वहाँ सूरत से, उन्होंने लिंक भेजा होगा आपको या कोई। हाँ जी एक ग्रुप है मैडम, विद द पीपल गुजरात बनाया हुआ है मैंने, मैं रेलवे में इंस्पेक्टर हूँ सूरत में,
तो आप अपना नंबर शेयर कर दें प्लीज चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल सर, आपको जोड़ लेंगे, आपको लिंक डेली मिलेगा, डेली होती है मीटिंग 8 से 11। ओके सर। हाँ जी, ये डॉक्टर रंजना मैम। जी सर। मैं डॉक्टर आर्य स्वामी बोल रहा हूँ लखनऊ से मैम। जी जी मैम, आप बेसिकली डॉक्टर हैं या पीएचडी हैं? पीएचडी इन एजुकेशन सर। अच्छा पीएचडी। मैडम कल ओके, जो है प्रोफेसर्स की मीटिंग है, प्रोफेसर और लेखक वगैरह जिनकी है ना, वो आप जरूर ज्वाइन करना। आप कहाँ पर प्रोफेसर है मैम? ओके थैंक यू सर, मैं एजुकेशन कॉलेज में एज ए प्रोफेसर हूँ। कौन सी जगह? जगह कौन सी? ऐसे तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ सर। अच्छा, बट मेरे हस्बैंड यहाँ गुजरात भावनगर में है। जी मैम, अपना नंबर शेयर कर देना प्लीज। जी 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 ओके। नेक्स्ट हैंड रेज करें प्लीज, जो भी। डॉक्टर योगेश से पहले जुड़े थे, है क्या? अपना परिचय दें। वाणा से भीमसेन जी, भीमसेन है, इनको आमंत्रित कीजिए। भीमसेन जी एडवोकेट का शायद ये। भीमसेन जी अपना परिचय दें प्लीज। यार जी एक नया नाम देख रहा हूँ मैं, विनोद निंग। विनोद निंग जो ना। हेलो नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं विनोद कुमार हरियाणा से। ये क्या निक क्या लिखा आपने? निगाह सर, सरनेम है निगाह। अच्छा बोलिए विनोद जी। सर मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आज आपकी मीटिंग में। क्या करते हो, पूरा अपना परिचय दीजिए। सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो आपके परिहार जी को जानते हो? नहीं सर जानते नहीं। एसपी परिहार बैठे आपके सामने, बैठे एससी आपके हिसार से। अच्छा ठीक है सर। कहाँ हो आप विनोद जी? सर यमुनानगर में है, एचकेवी सर्कल जगाधरी। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो वहाँ से पहले जुड़े भी हैं एसडीओ एक बार से। इस टाइम पठानिया नहीं है क्या वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी सर है, जसबीर पठानिया जी है सर। हाँ उन्होंने, वो भी आए हैं यहाँ पे। मैं एसपी परिहार एससी कंस्ट्रक्शन हिसार में हूँ जी सर। अपने लोग क्या सभी जानते हैं वैसे तो इरिगेशन में। आप कौन से बैच से हो सर? 2012 बैच है। अच्छा हेलो वेलकम, आपका स्वागत है, आप जुड़े रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी थैंक यू सर, थैंक यू। परियार सर हमारे बीच उदयमान लांडगी जी है बैकलॉग की, जिसकी लड़ाई लड़ी महाराष्ट्र से। परियार सर आप बोले, कोई बात नहीं। हमारे बीच उदयमान लांडगी जी है महाराष्ट्र से, वासिम से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना परिचय दे। लांडगी साहब जय भीम, जय भीम नो उदय। हाँ नमोबुद्धा सबको, मेरी तरफ से करण तिवारी जय भीम सर। मैं सब लोगों को, मैं मेरी ये करीबन 4-5वीं मीटिंग है, इसमें मैं जुड़ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी रूरल एरिया में रहते तो उसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, मिस होता है मेरी तरफ से। तो जब भी मैं कनेक्ट होता हूँ तो अच्छा लगता है बहुत लोगों से। सबसे अच्छी बात है कि नए नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है जब भी कभी बात होती है तब। और पता नहीं कटके सर ने बताया क्या नहीं, लेकिन मैं लास्ट टाइम मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था आपको कि हम पुगाव में कुछ इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं क्लस्टर। तो अभी वो हर्षदीप कामरे सर उसको 22 तारीख को शायद अंतिम मंजूरी दे देंगे, तो हमारा एक करीबन 70 लोग जो अपने समुदाय से एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाएंगे, और ये शायद मुझे लगता है कि काफी अचीवमेंट रहेगी। और ये पूरी टीम वर्क है पूरी, इसमें सर का काफी अच्छा योगदान रहा है,
हर्षित सर का, कड़के सर का, और अभी मैं ये प्रकाश परियार सर जो है उनसे भी काफी प्रेरित हुआ कि बहुत सुनता हूँ उनसे, और काफी अच्छा लगता है कि चलो कि पूरे वर्ल्ड मतलब अपने देश में क्या हो रहा है, और हमारा भी अभी नियोजन जो 26 नवंबर आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम 3-4 विलेज मिलकर बड़े पैमाने की इस बार संविधान दिन सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं उसमें क्या, सर से राय भी लेंगे कटके सर की कि क्या किसको गेस्ट वगैरह बुलाना है, वो सब करेंगे। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दे इसलिए, थैंक यू सर। थैंक यू लांडगे साहब, बड़ी अच्छी बात है। वो प्रोजेक्ट की कल मीटिंग थी मंत्रालय में था मैं, वो करीब 10 करोड़ का हमारा निधि मंजूर हो जाएगा अभी, हर्षदीप कांबळे सर की तरफ है वो, कल हमारी मीटिंग थी मंत्रालय में, तो वो प्रोजेक्ट हमारा चलेगा। वो महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट है और बढ़िया प्रोजेक्ट है वो। हाँ सर, आर विद द पीपल सर, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर कि विद द पीपल में जो भी लोग जुड़े ना, अगर ये अपना सक्सेस प्रोग्राम रहा तो हर अपने स्टेट में हर जो भी लोग जुड़े हैं विद द पीपल इंडिया में, उनके तहत अपन ये पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद हर जगह पे उसको एस्टेब्लिश करेंगे सर। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर, योगेश है, योगेश मेरी आवाज सुन रहे थे, अपना परिचय दें योगेश। योगेश कुमार, योगेश सिंपल योगेश। एक सुरेंद्र कुमार है, सुरेंद्र अपना परिचय दें। परियार सर, डॉक्टर विनोद जी है हमारे बीच। डॉक्टर विनोद, मेरे डॉक्टर विनोद जी अपना अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दें प्लीज। डॉक्टर विनोद जी कई बार बोल लिया कटके साहब, उनको कई बार बोल लिया। शुभांगी, शुभांगी मालखेड़े हैं वो अपना। शुभांगी मैम आप आए हो, प्लीज अनम्यूट कीजिए। शुभांगी मैम यवतमाल से हैं। जय भीम सर। जय भीम, नो ऑफ द बोलिए सर। मैं यवतमाल से बात कर रही हूँ, शुभांगी मालखेड़े। हाँ यस। और हमने हमें कटके सर ने लिंक भेजी थी सर, कटके सर की वजह से ही हम आज इस कार्यक्रम में जुड़ सके हैं। और मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तकरीबन 100 होंगी, तो हम सभी ने मिलकर कम से कम 40 लेडीज ने अगरबत्ती की ट्रेनिंग ली थी सर DIC से, और वो बैंक में लोन केस भेजी थी। अभी कल ही कांबळे सर की मीटिंग हुई है, वहाँ पे कटके सर भी थे, उन्होंने हमें बताया कि अभी हमारा काम सक्सेस होने वाला है, तो इसलिए हम कटके सर का और कांबळे सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मुझे बोलने का मौका दिया। सर ने कल कलेक्टर साहब को फोन किया था, इसीलिए हो रहा है वो। बैंकर्स पहले रेडी नहीं थे, लेकिन अभी 40 महिलाओं का हो जाएगा वो, तो अच्छा काम करो, जुड़े रहो, सारी महिलाओं को कहो कि वी द पीपल से जुड़े। ठीक है ना सर। हाँ, थैंक यू शुभांगी। जय भीम सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप इसमें जुड़े और बहनों को भी जोड़े। अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़िए शुभांगी मैम। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सर। जय भीम सर। अपनी सारी सहेलियों को कहे कि अब यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आती है, और 10, 20 और 30 तारीख को हर महीने के महिलाओं का स्पेशल सेशन होता है, उसमें आप सभी को बोलिए कि उसमें भी आप ज्वाइन करें। ठीक है ना सर, ठीक। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जो भी साथी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं अपना हैंड रेज कर लें, ताकि उनका परिचय रह ना जाए। नेक्स्ट रामजी लाल पवार है, वो अपना परिचय दें। रोहतास कुमार है, रोहतास कुमार रमन रही, रमन है। हाँ बोले बोले रोहतास कुमार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मैं रोहतास कुमार हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल गिराए, हेडमास्टर हिसार से जी। जी जी आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं रोहतास कुमार जी? सर मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आपसे। वेरी गुड, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सर, आप जुड़े रहे। मैं इरिगेशन हरियाणा इसार से हूँ।
जी जी अपना गांव भी दोनों पास पास हो गए ना तो आप तो वीडियो नहीं आ रही है सर थोड़ी प्रॉब्लम है नेट की और मेरे इसमें फोन में ही हाँ चलो कोई नहीं गाँव में आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो नहीं तो चलो मेरा पता है आपको मेरा नंबर होगा मुझे कांटेक्ट करना आप ठीक है सर धन्यवाद थैंक यू डॉक्टर योगेश धमिक मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज परिचय दे सर श्रावण राम भी है हमारे बीच हाँ कोई नहीं मैं अभी हैंड रेज हो गए एक सुरेंद्र कुमार जी हैं एक करमवीर हैं अपना परिचय दे प्लीज सुरेंद्र कुमार करमवीर जय भीम जी नमो बुद्धाय पहले एक सभी लोग जय भीम नमो बुद्धाय जी जय भीम सर मेरे बड़े भाई चंद्रा साहब कुरील साहब हैं बड़ोदरा से जी जी उन्होंने ये लिंक दिया और इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं और लाभान्वित हो रहे हैं और इसके विषय में जहां भी हमें अपने समाज के श्रमण लोग मिल रहे हैं उनसे शेयर करते हैं और इसके विषय में बताते हैं इससे जुड़िए इस प्लेटफॉर्म को पूरे इंडिया में बढ़ाइए जब हम जुड़ेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं जैसा कि हमारे सुधीर राज साहब बताते रहते हैं इसे हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं मैं काशीपुर में रहता हूँ सर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं नहीं सर हम तो काफी दिनों से दो तीन महीने से जुड़े हैं ओके 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 वेलकम वेलकम ठीक है ये एडवोकेट रामचंद्र जी के भाई हैं हाँ उनके ब्रदर इल्डर ब्रदर है सर जी बहुत बढ़िया हाँ मैं यहाँ बैंक में असिस्टेंट कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंटेंट हूँ सर बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा सर करमवीर जी सभी काफी एक्सपीरियंस होल्डर काफी अच्छे वक्ता काफी रिटायर्ड या वर्तमान नौकरशाह लोगों के विचार सुन करके काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इस चीज को हम सर काफी लोगों से शेयर करते हैं जहां जहां हमसे लोग मिल रहे हैं सर इससे लोग जुड़ेंगे बहुत तेजी से जुड़ेंगे सर ये आपका जो कार्मा है सर बहुत आगे तक जाएगा थैंक यू करमवीर जी करमवीर इस आर से वो तो आते ही हैंडरेज कर ले हैंडरेज किया है करमवीर जी ने हाँ जी करमवीर जी बोले कमीज डाल के आ गए होंगे वो लगाना लगा नहीं सुनाई पड़ रहा हाँ अच्छा सुनाई चलो थैंक यू पूरा देश सुन रहा है अरे प्रधान जी निरंकारी बोल रहा हूँ हेलो ये यूपी वालों की कब से हो गया ऐसी बात हाँ ये कर अरे भाई चलो हरियाणा वालों का लाउड है सर बोलने दो बोलने दो मान लेते हैं देसी भाषा बोलते हैं यूपी वाले ऐसे बोलने लग गए तो हरियाणा वाले तो बहुत नहीं नहीं इतनी देर में तो बोल देता सर बोलने दो प्लीज चलो बोल लो बोलो निरंकारी जी उनका नेट गया लग रहा है कट गए नेट गया होगा मेरा नाम मेरा नंबर काट दिया ऐसे बोलेंगे वो दीपांशु एसडीओ है अपना परिचय दे अरे भाई हमारी बात तो सुन लो भाई परिहार साहब सर आपका नेट चला रहा है आवाज आ रही है सर बोलिए आवाज आ रही है बोलिए सर बोलिए आप जी जी मैं कह रहा हूँ अभी अभी जो बोल रही थी अन्नू बहन अर्चना गौतम जी तो तीन महीने से मेरे विद्या पीपल कानपुर से जुड़ी है इन्होंने एक बार कानपुर की टीम का या गंगाधर अधिकारी का नाम लेने मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये अननोन नहीं है ये तीन महीने से मैं डेली लिंक भेजता हूँ विद्या पीपल का एडमिन जो कानपुर का ग्रुप है एडमिन अधिकारी है क्रिएटर भी है एडमिन भी है डेली लिंक भेजना सारे मैसेज भेजना अल्लू बहन जी ऐसे कैसे भूल जा रहे हैं धन्यवाद थैंक यू आप रोज दो तीन दिन से ऐसे जोड़ रहे हैं जो कई दिनों से जुड़े हैं और इंट्रोडक्शन
अब एक दो बार दिए है पिछले दो महीने से। परिहार सर एनपी किचे है हमारे बीच में, एनपी किचे एमकेएस। जी जी हमारी बात सुन रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दें, एनपी किचे। सर अभी कंसेप्ट नोट का कंसेप्ट का वक्त हो एक गया है। एक मिनट कटके साहब, एक थर्ड ईयर परव कुमार 22 है कुछ, तो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं शायद, अपना परिचय दे परव कुमार। और एक 22 12 ये नंबर है 22 12 62 66 51। हेलो नमस्कार जी। हाँ हाँ परव कुमार जी बोले। मैं अनूप सिंह बोल रहा हूँ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। तो आपका नाम कुछ ऐसे आ रहा है ना। हाँ जी, ये परव कुमार बच्चे का नाम है जी, वो मीटिंग का था ना जी। जी पहले पहले भी जुड़े हुए हो क्या आप? नहीं फर्स्ट टाइम में लिंक आया जी, फर्स्ट टाइम। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली से। अपना थोड़ा परिचय दे, कहाँ से हो दिल्ली में? दिल्ली में नजफगढ़ से जी, अनूप सिंह नजफगढ़ से। जी जी जी, वीडियो ऑन करो जी। जी एक मिनट, गुलाब सिंह जी है दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? नजफगढ़। नजफगढ़ है जी। अच्छा, क्या करते हैं? मैं दिल्ली कोर्ट में सर्विस करता हूँ। किस में? कोर्ट में। कोर्ट में है जी। कौन सी कोर्ट में? दिल्ली द्वारका में। अच्छा द्वारका में जी। तो मतलब परमानेंट जॉब है क्या? गवर्नमेंट जॉब है या वैसे? हां जी गवर्नमेंट जॉब। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? अनूप सिंह। अनूप सिंह। अच्छा अच्छा, चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर डालना जी। डाल देंगे। अनूप सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहां बने रहें और आगे भी जुड़े रहें दिल्ली। अनूप सिंह जी मैं सर थोड़ा सा परिचय दे दूं अनूप सिंह जी को जी। अनूप सिंह जी मैं पूसा आईटीआई में टीचर हूँ और तिलक नगर में रहता हूँ। अच्छा साहब। हाँ हाँ वेरी गुड। आपका बताया आपने गुलाब सिंह। गुलाब सिंह नाम कहाँ बताया आपने? अनूप सिंह। मैंने नाम नहीं बताया था ना अपना, तो आपने टीचर बता दिया। अच्छा मेरा नाम गुलाब सिंह है। अनूप सिंह जी साहब साहब सर सर ठीक है सर ठीक है। अनूप सिंह जी चैट बॉक्स में नंबर डालो अपना जी। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। 22 नंबर वाले। हाँ हाँ दीपांशु। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम लिया गया था तो मैं बोलना चाह रहा था, मौका नहीं मिला। हाँ जी, तो मैं दीपांशु एसडीओ हूँ, मैं रहने वाला सिरसा का हूँ और मैं फिलहाल पोस्टेड हिसार में हूँ, परिहार सर के अंडर ही हूँ। तो बस सर से बीच बीच में गाइडेंस लेते रहते और कोशिश करते ग्रुप में मैक्सिमम जुड़ने की। आपसे थोड़ा रेगुलर इरेगुलर रहा हूं मैं लास्ट कुछ दिनों में, तो कोशिश रहेगी हमेशा। थैंक यू दीपांशु। सरजू राम राव है परिहार सर हमारे बीच। सरजू राम राव जी। हाँ बोले। तो कृपया अपना परिचय दीजिए। सरजू राम राव जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी डी भारती का हैंड रेज है, वो अनम्यूट नहीं हो रहे। जी डी भारती जी कंसेप्ट के लिए कर सकते हैं आप, रुकना है रुक जाए कोई। जी डी भारती जी। जय भीम सर जी। जय भीम सर जी। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। नवोदय। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। बोलो बोलो भारती जी, आप तो कई बार आए हैं, बोलिए। मैं तो रोज आती हूँ। हाँ रोज देखते हैं हम आपको। मैं रोज जुड़ती हूँ और मैं कई लोगों के लिए जुड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। मैसेज भेजती हूँ रोज, लिख के भेजती हूँ लोगों का मन में, मतलब मन में क्या है, क्या है मानसिकता, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं,
ये नहीं पता कि हम नहीं जुड़ते हैं। मैं तो रोज जोड़ लें मतलब सबके लिए लिंक भेजती हूँ और किसी किसी के लिए आज दो चार लोगों के लिए फोन भी लगाया है मैंने जुड़ने के लिए, लेकिन नहीं जुड़ते हैं कई लोग। वो फेसबुक में और व्हाट्सएप में जयभीम का बहुत मैसेज करेंगे सब करेंगे और सब जगह मतलब भाषण देंगे तो उसमें यू लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते। ये डिस्टरबेंस से थोड़ा रोके होस्ट को प्लीज प्लीज डिस्टरबेंस। मैं बहन जी भारती जी अपना माइक कन्वर्ट करें, माइक माइक ओपन करें। जय भीम। हाँ, आवाज की वजह से मैंने बंद कर दिए सारे, इसलिए आपका जी, जय भीम सर जी, जय भीम, जय भीम। बोले बोले बहन जी, बोले। मैं ये बोल रही थी कि मैं रोज लिंक भेजती हूँ सबके लिए। रोज लिंक सही है, आप तो लगे रहते हैं, बात भी करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आएंगे लोग जुड़ेंगे समझेंगे तो जुड़ेंगे जी, फोन पर भी बात करती हूँ। सही, लेकिन अभी लोग नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों से बात की है वो भी नहीं जुड़े। जुड़ेंगे जुड़ेंगे, चिंता मत करो, अपने आप आएंगे लोग, हम लगे हुए हैं जी, जब ईमानदारी से लगेंगे तो लोग जुड़ेंगे। दीदी भारती बहन जी, लोग जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, बहन जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं रमन मामले बोल रहा हूँ दीदी जी जी जी, लोग जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, अभी जुड़े हैं दीदी साथ, जुड़े हैं जुड़ते रहे दीदी, ऐसा नहीं जी, आपको तो मैं पहचान गई। हाँ दीदी जी, जय भीम, जय भीम दीदी। लेकिन सर जी, सर जी जी, रमन मामले जी, मैंने जी, आपको बहुत दिन में देखा है आज। हाँ दीदी दी, देखा होगा, अब काहे की अब क्यों नहीं देख तो पाई होंगी आप, जुड़ाते रहता हूँ दीदी। आप बहुत दिन में जुड़े हैं आज। नहीं मैं डेली जुड़ता हूँ दीदी, लेकिन मैं देखता नहीं, मैं दीदी कभी कभी लोगों से बात कर लेता हूँ। कंप्लेंट करो, उसकी कंप्लेंट करो, जितनी कंप्लेंट करो उतना अच्छा रहेगा। अपना इंट्रोडक्शन दे दो, मैं तो डेली जुड़ती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सर नहीं रहा, रमन बाबू मैं भी डेली जुड़ता हूँ लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता, बंद रहता हूँ, कभी कभी मौके बात कर लेता हूँ। मैं बाहर बैठा था, भी देखो तो हम सब ने बातें कम करनी है, काम करना है ज्यादा से ज्यादा बातें। हाँ यही बात है, मेरा नाम रमन मामने दीदी, आप सब लोग परिचित है, मैं बहुत कम बात करता हूँ और अपन लोग जोड़ने ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, आप भी मदद करें थोड़ा, नरसिंहपुर में और अपने अपने बगल में अपने जैसे सागर है दूसरा अपने, और सागर जो लगे हुए विधि साहब से लोग जुड़ रहे हैं और अन्य जो अपना मंडला है बगल में, थोड़ा मेहनत करें दीदी तो लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं जी। मैं क्या है कि सबके लिए लिंक भेज रही हूँ, पूरे ग्रुप में लिंक भेजती हूँ, जितने ग्रुप है मेरे सब में लिंक भेजती हूँ, और जो मेरे मतलब व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनके लिए भेज रही हूँ। दीदी मैंने जयराम भाई भी जोड़ा था सागर से, उन पर सागर केस बन गया था अभी जी, हाँ लिख दिया था उसमें केस बन गया था, मुश्किल खुल जाए हमने क्या, कुछ लोग अपने पोस्ट में गलत डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, ये अपने इंडिविजुअल बात की बात करना, और मिले जी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। जी मेरा नाम रमन जी, मुझे फोन पर बात करना है रमन जी से। जी 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 सर, मैं मध्य प्रदेश से रमन बामने, रायसेन जिले से पंचायत विभाग में नौकरी करता था और बाकी समाज सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, लंबे समय से कर रहा हूँ जी सर। जय भीम सर जी जी, थैंक यू थैंक यू। करमवीर सर अभी राजकुमारी का टाइम हुआ है, किसने आपने बताना, मैंने बताना, आप बताइए। नहीं कंसेप्ट कौन, सुधीराज सर, नहीं हम दोनों ही बताएंगे, हम दोनों ही, आप बताएं या मैं आप और करमवीर जी दोनों में, आप करमवीर सर आप बताइए, बताइए नहीं आप बताएं, मैं उसके बाद बता दूंगा एक दो मिनट। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रमेश ठटके महाराष्ट्र से हूँ और हमारे बीच काफी बहुत सारे हमारे भाई है जो सारे भारत से है और कई कुछ लोग तो भारत के बाहर से भी है, तो सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज मैं वी द पीपल के कंसेप्ट के बारे में कुछ चंद बातें करूंगा। असल में ईजेड खोबरागढ़ सर जो हमारे बीच में जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने संविधान के बारे में पहले बताया है कि यहाँ पर जो विद पीपल में जो भी लोग जुड़ते हैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, संविधान ही हमारा लीडर है, क्योंकि संविधान में जो हमारे निहित मूलभूत अधिकार है, मूलभूत कर्तव्य है और हमारी ह्यूमन राइट्स है, उनको ही हमें बचाना है, तो इसीलिए संविधान को हमें लीडर मानना है। दूसरी बात है कि बाबा साहब का जो आंदोलन बाबा साहब ने शुरू किया था
हमारे सारे हक और अधिकार और हुकूक जो बाबा साहब की वजह से हमें मिले हैं, अगर हम विद पीपल जैसे इस संघ में जुड़ना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, तो जो भी आज के समय में करीब पिछले 6-7 साल से जो हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, इसीलिए हम सभी लोग परेशान हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा संविधान खतरे में है, लेकिन असल में देखा जाए तो हम लोग खतरे में हैं, क्योंकि हमने जितनी ताकत से इकट्ठा होकर जुड़कर हमारे हक और अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना था, वो संघर्ष करने में हम उतने कामयाब नहीं रहे, इसलिए आज की नौबत हमारे बीच में आई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिए थे, खासकर बाबा साहब का आंदोलन 1927 से शुरू हुआ था, 1927 के महाड़ के संग्राम में बाबा साहब ने कहा था कि हमारा जो खास जो कंसेप्ट है, हमारा जो यहाँ पर जुड़ने का जो मूल सिद्धांत है, कि बाबा साहब कहते हैं कि हम जो लोग हैं, हमें विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना है, और विचार ही हमें जोड़कर रखेंगे, विचार ही हमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना, एक दूसरे के प्रति करुणा, मैत्री और बंधुभाव रखेंगे। इसीलिए जो हमें संवैधानिक अधिकार जो मिले हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल हम करें, लेकिन उससे पहले जब तक हम इकट्ठा नहीं आते, जब तक हम जुड़ नहीं जाते, तब तक हम हमारा खुद का रक्षण नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जो संविधान में जो बातें बताई गई है, उन बातों का पूरा उल्लंघन हो रहा है। हमारे सामने ही सारी जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो संविधान ने दिए हमारे कुछ निहित तत्व है, उन तत्वों के खिलाफ ही काम चल रहा है। हाल में हम देखते हैं कि सरकारें, हम इकट्ठा नहीं होने की वजह से, हमारी ताकत इकट्ठा नहीं दिखने की वजह से, जो चाहे वैसा ही काम कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, न्याय व्यवस्था भी हमारी सुनती नहीं है। लेकिन जब भी हम जुड़ते हैं, जैसे कि 2 अप्रैल 2018 में हम लोग जुड़े थे, तो हमारा एट्रोसिटी एक्ट का जो अधिकार है पूरा हमने वापस पा लिया। और जब भी हम खुलकर आंदोलन करते हैं, जिसमें हमारी जूट एक जगह दिखाई देती है, तब तब हमें हमारे अधिकार संरक्षित मिलते हैं। इसीलिए हमने यही सोचना चाहिए कि विद पीपल जैसे संघ में क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, बुद्ध कहते हैं कि न परेश विलोमानी न परेश कथा कथन अतनो अवेख्य कथानी अकथानी च। हम लोग अक्सर दूसरों के ऊपर ही दोष देते रहते कि ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, ये संगठन ऐसा है, वो संगठन ऐसा है, लेकिन धम्मपद में बुद्ध ने जो कहा है कि हमें ये सोचना है कि क्या मैं मेरा योगदान दे रहा हूं कि नहीं, क्या मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा हूं। अगर इस तरह से हम लोग हमारे खुद के अंतरतम में अगर झांक कर देखते हैं, तो ये पता चलता है कि मैं ही ईमानदार नहीं हूं। जब तक मैं खुद से ईमानदार नहीं हूं, तब तक मैं बाबा साहब ने जो अधिकार मुझे दिए, जो मेरे हक और अधिकार है, उसके प्रति मैं ईमानदार नहीं रह सकता। इसीलिए हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर क्या है, तो मैं खुद से ईमानदार रहूं, मेरा कर्तव्य और मेरे अधिकार मैं पहचानूं, और वही अपेक्षा मैं फिर दूसरों से करूं। अगर इतनी बात हम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो ये विद पीपल पिछले 5 महीनों से लगातार चल रहा है, हम देखते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि विद पीपल में 150-200 के ऊपर से कम लोग नहीं आए। हर दिन हम लोग बहुत बड़े चिंतक है, कुछ IAS ऑफिसर है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कुछ रिटायर्ड जजेस है, कुछ चिंतक है, कुछ साहित्यिक है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बेरोजगार है, और उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग लोग हमारे बीच में आते हैं और हमारे अपने अधिकार साझा करते हैं। इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि जब भी आदमी संघ से जुड़ा रहता है, जैसे कि बुद्ध ने पहले पंचवर्गीय भिक्कू को जैसे धम्मचक्र पवर्तन सूत्र दिया था, आदित्य पर्याय सूत्र दिया था, और अनंत लक्षण सूत्र, 3 सूत्र दिए थे, और उसमें वही बात कही थी कि जब तक हम लोग हमारा खुद का अहंकार, हमारा पद पैसा प्रतिष्ठा और अहंकार, ये चीजें भूल कर, ये छोड़कर जब तक हम इकट्ठा नहीं होते, तब तक हम महसूस नहीं कर सकते हैं कि हम इकट्ठा है, तब तक तो अकेले अकेले रहते हैं हम लोग, और अकेले अकेले में हमें ऐसा महसूस होता है
कि शायद मुझे जो मिलने वाला है मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए विद द पीपल से हमें जुड़े रहना है। अगर हम जुड़ेंगे, इकट्ठा आएंगे, तो ही हमारी ताकत बढ़ेगी और उसका अधिकार जो है हमें जो पाना है वो हमें अधिकार जरूर मिलना है। यही मैं इतनी बात करता हूँ और मैं करमवीर सर से कहता हूँ कि आगे की बात हो करे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। थैंक यू कटके साहब। मेरे लिए छोटा क्या, आपने सारी तो बातें कह दी। नहीं, आप बताइए ना। सर माइक जी 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 डॉक्टर साहब, थैंक यू। जय भी नमो बुद्धाय। साथियों, मैं करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा चंडीगढ़ से बोल रहा हूं और जब से वी द पीपल संघ का निर्माण हुआ था तभी से लगातार जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं और उससे पहले इसकी जो कल्पना की थी उसी से पहले से ही कल्पना की थी कि हम संगठनों में विभाजित, जैसा कटके साहब ने बताया, विभाजनों में जो ना संगठनों में, जातियों में, संगठनों में, अलग अलग धार्मिक संगठनों में जो ना खंडित हो चुके हैं, उसकी वजह से हमारी आवाज नहीं बुलंद हो रही, हमारी बात को नहीं सुना जाता, हमारे एमएलए मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, हमारे एमएलए एमपी जो है ना एक बंधुआ मजदूर की तरह बनाए हुए हैं, हमारे ज्यादातर इसमें भी जैसे आज भी रिटायर्ड आईएएस या उच्च अधिकारी बैठे, रोजाना काफी उच्च अधिकारी हमारे बीच में आते हैं, उनकी भी दशा ऐसी ही, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे अधिकारियों की भी दशा वही है। क्या कारण है कि उनकी आवाज क्यों नहीं बुलंद होती, या उनकी जो बात भारत में संविधान में जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार लागू क्यों नहीं हो रहे? इसका कारण केवल यही है कि हम अलग अलग जातियों में, अलग अलग संगठनों में, जातियों से मजबूत संगठनों की जातियां बन चुकी हैं और आज हम जो है ना अलग अलग होने की वजह से हमारी जो वजन है बात का, हमारे जो प्रभाव है वो समाप्त हो चुका है। इसलिए हम सभी प्रबुद्ध साथियों ने मिलकर रोजाना, आज लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, तो लगातार 8 बजे से लेकर रात को 2-2.5 बजे तक, 12 बजे तक तो मिनिमम जूम की मीटिंग चल रही है और हमारा प्रयास है जुड़े और जुड़े। काफी साथी कहते हैं कि जुड़ने से क्या होगा। साथियों, मैं आज एक जगह गया, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो मैं किसी किसान के पास गया तो वो जमीन खरीदने गया, वो कहने लगा कि मैं 4 महीने से जमीन खरीदने के लिए जा रहा हूँ लेकिन मुझे जमीन अच्छी नहीं मिल रही। अच्छे का मतलब उपजाऊ नहीं, अच्छे का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सारी सुविधाएं हो, अच्छे का मतलब ये था जहां भी जमीन सस्ती भी थी लेकिन उसके आस पड़ास कौन लोग थे, उसकी जमीन के चारों तरफ कौन लोग थे। तो उसने देखा कि मैं अगर ऐसे लोगों के बीच में रहूंगा जहां मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी, मेरी खेती नहीं करने देंगे, तो मैं अपने यहाँ से खेती नहीं कर सकता। इसलिए आप भी देखते होंगे कई प्लॉट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, तो उसको लेने से पहले वहां का सारे भौगोलिक परिस्थितियां दूसरी, उसके बाद देखते हैं कि हमारे लोग कितने हैं, वो क्यों देखते हैं ऐसा। हम विदेश में जाते हैं सबसे पहले देखते हैं इंडिया के लोग कितने हैं, अगर हम नौकरी में जाते हैं तो देखते हैं कौन से विभाग में हमारे आदमी है। तो इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है इसका, अगर इसलिए सोचते हैं कि ताकि हमारे ऊपर कोई अन्याय ना करे। अन्याय इसलिए हो रहा है कि आज हम छिन्न भिन्न हो चुके हैं, आज हम टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये एक अभियान है। आप लोग जुड़े हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे देश और अन्य देश के लोगों को भी कि इस कंसेप्ट की जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी हमें ताकत मिलती है। लेकिन कुछ साथी हम जो है ना घर में बैठे अपनी जूम की मीटिंग पर भी हमें काफी लोग जो है ना भला बुरा भी कहते हैं और जो है ना और भी बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जितने भी साथियों सारे ही जितने इस मुहिम में जुड़े हुए हैं सारे वेल सेटल हैं, इन्होंने किसी बात की इंडिविजुअल जरूरत नहीं है, इनके बच्चे सेट हैं, खुद सेट हैं, अच्छे शहरों में रहते हैं, लेकिन इन्होंने प्रण किया, जैसे बाबा साहब के बारे में कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और कुछ लोग साथी भी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात थी कल परसों मेरे साथ एक मेंबर पार्लियामेंट थे तो किसी साथी ने गाना गाया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उधाड़ेगा, तो उस एमपी मेंबर पार्लियामेंट ने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप साथी जो बैठे हैं
वो भी जो सुने इस बात को जो नचरज मानेंगे कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसने बड़ी अच्छी बातें बताई और वो कैसे, क्या आज के आपके एमएलए और एमपी मेंबर पार्लियामेंट या जो बड़े बड़े अधिकारी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या वो धाड़ रहे हैं? क्या पार्लियामेंट में आपके एमएलए एमपी धाड़ रहे हैं? नहीं धाड़ रहे। आपके अनपढ़ आदमी भी अगर इकट्ठे हो जाए साथियों, पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें शिक्षा नहीं लेनी, हमें शिक्षा उच्च कोटि की लेनी है, लेकिन ज्यादा जो शिक्षाविद लोग हैं वो भी उनके ऊपर उनके मुंह के ऊपर भी ताला लगाया जाता है। इसलिए ताला लगाया जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन ठेकेदारों की पार्टियां हैं, वो आपके एमएलए एमपी को कुछ नहीं समझते, केवल इतना सोचते हैं कि आप ये लोग हमारी वोटों से बने, आपकी वोटों की गिनती नहीं होती आपकी आपकी, इसलिए जो ना आपका एमपी एमएलए बोल नहीं पाता। सरेआम अगर आप अकेले कमरे में बैठकर आपके एमपी एमएलए से बात करके देखे, आपसे क्या बात करेगा? मेरे कमरे में सात सात आठ आठ एमएलए बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं वो लोग। मैं सरेआम बोल रहा हूँ इस बात को कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम जाकर कोई अपने इशू को सामाजिक या इशू कोई भी हमारे जो बहुजन समाज का या समन समाज के इशू को लेकर हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास चले जाएं। बहुत लोग हैं जो जा सकते हैं, क्या कारण है? यही कारण है साथियों कि हम जुड़े। लेकिन इतना जरूर है, ये बड़ा गर्व हो रहा है कि इतने पांच छह महीने की मीटिंग में हर संगठन जो संगठन बनाए हुए हैं वो लेटर जारी कर रहे हैं, वो अपने प्रकार के संगठनों को और बुला बुला के मीटिंगें करनी आरंभ कर दी है कि जुड़े भाई, इकट्ठे हो। हमारा भी प्रयास यही है, जो भी साथी आता आपके पास उनको ये बताए कि भी आपके संगठन का रिजल्ट क्या है, आपने इतने दिन संगठन चलाया है उससे क्या क्या रिजल्ट आए हैं। हो सकता है छोटे छोटे काम हमें करने चाहिए, लेकिन बड़े लेवल पर हम जब तक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर संगठित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए विद द पीपल एक प्रयास कर रहा है, एक कंपेन चला रहा है, एक प्रेशर ग्रुप डेवलप कर रहा है कि जुड़े, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, तब तब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जब जुड़ेंगे जब जीतेंगे। तो यही जो ना इसका अभियान है, और इसमें जैसे कटके साहब ने बताया हमारा कोई लीडर नहीं, जो साथी सुन रहे, हमारी अन्नू बहन कह रही थी बड़ी खुशी खुशी और खुश से हो रही थी बता बता कर, हमारी कितनी बहनें अलग से क्लास देखो सामने डॉक्टर कंचनयान, कितनी हमारी महिलाएं इसमें अलग से मीटिंग चल रही है, अलग अलग ग्रुप की मीटिंगें चल रही है, बिजनेस की अलग ग्रुप है, एडवोकेट्स की अलग मीटिंग है, डॉक्टर्स की अलग मीटिंग है। तो डॉक्टर्स को जो जो जुड़े उनको साधुवाद करता हूं कि उन्होंने जूम मीटिंग पर हमारे लोगों का इलाज शुरू कर दिया। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के जो ना यहाँ एक दिन कोई भी आदमी अपने आप में यहाँ प्रधान या सेक्रेटरी या नहीं है, सारे बराबर हैं, या किसी पद की गरिमा का मुहिम नहीं करी जाती। ठीक है कुछ आदमी हमारे सीनियर आते हैं तो हम थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट से तौर पर बोलते हैं, लेकिन जब हमारे संघ में आ जाते हैं सारे यहाँ बराबर है, किसी की पद और उसकी उसकी जन आकलन नहीं होता। यहाँ उसका आकलन केवल उसके काम से होगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना, जैसे बुद्ध के संघ में जो ना जो सीनियर साथी थे जो काम करते थे बौद्ध भिक्षु, उनको जो है ना उनको इसी प्रकार से जो है ना तथागत बुद्ध भी इज्जत देते थे। इसलिए बाबा साहब की, बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते, इसलिए हमने बाबा साहब की माननी है। हमारे जो इस देश के अंदर जो क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, आप जैसे विद्वान, आप जैसे आपके समाज जैसे प्रबुद्ध लोग, आपसे जो है ना कोई भी किसी भी समाज में नहीं हुआ तो आप किस बात से नीचे, किस बात से कमीन है? जैसे सुधीर राज जी कहते हैं हम समन समाज है, हम इस देश के राजा थे, हम इस देश को चलाने वाले लोग थे, हम इस देश में देने वाले थे, हम कभी भी हमारे साथ जो एक छल कपट हुआ और उस छल कपट के कारण अब हमें समझ में आने लग गया है और हम इकट्ठे होंगे और जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, थैंक यू कटके साहब। साधु बहु साधु साधु। चलो आगे, सर करमवीर सर। जी जी कटके साहब। आदरणीय इजेट खोबरागेड़े सर जी को इसके बारे में कहने को दो मिनट कहने के लिए। सर बोलिए बोलिए, ये पूछने की बात ही नहीं है। इजेट सर आपको, इजेट खोबरागेड़े सर, शायद नहीं है शायद। मैडम कंचन लता को दो, कई दिनों बोले नहीं है वो। हाँ यस यस सर कटके साहब,
हाँ यस बोलिए। अच्छा यहाँ सभी साथी बैठे हैं, कई बार ना रमेश जी आप भी बताओ कि सबको, शायद इंजीनियर है उनको तो पता होगा, मैं मेरे वैसे दिमाग में आ गई कि एससी का रैंक अगर ये कंपेयर करे तो क्या समझते हैं, मतलब जो ये बात जैसे कमिश्नर या जैसे यूजली हम सभी बैठे हैं, मैं तो अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग सिंपल आदमी समझता हूँ, एक्चुअल में एससी का रैंक क्या हल्का होता है कमिश्नर सर? सीनियर मतलब उसके लेवल का है, सीनियर कमिश्नर मतलब वैसे वहाँ कमिश्नर जो भी है, तो वो सबको पता भी नहीं होगा, तो हम तो एज इक्वल में, लेकिन वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम सब वो प्रयास करें, मतलब ये ना समझे कोई ये सोच रहा भी ऐसे ही बैठे होंगे, तो हम टाइम डिवोट करें, तो औरों को आप लोग प्रेस कर सकते हो, इवन आईएएस आईपीएस और इतने सारे इस रैंक के अधिकारी, इवन एक्शन लेवल के अधिकारी भी नहीं आना चाहते या उसके इक्विवेलेंट। परियार सर जी, परियार सर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का रैंक बहुत बड़ा होता है, हमारे यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सर, वो क्लास सी क्लास तक, जेई लेवल तक, अब तो खैर जेई लेवल बी ग्रेड में आ गया नॉन गेस्टेड में, सर बहुत बड़ा रैंक होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का। नहीं मैं ये मेरा मकसद ये है कि जो कई बार बात जो है आते नहीं है, तो उनको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसा इतना वो क्यों वो करते हैं, अपना गुमान समझ लो या नौकरी मिली है बाबा साहब की उससे, तो उन्हें मतलब अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग और सिंपल आदमी की तरह अपने समाज में आना चाहिए। और सर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है सर, वो जो है ना वो पेनल्टी कोई बात नहीं, मुझे बताने की जरूरत है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ जी, जय भीम, सब सब जो है ना थोड़ा सा समझे और उनको सब यार साहब गांव के लोग क्रांति लेके आएंगे, ये जितने लोग अफसर जुड़े इतने ही काफी है, जो अपनी मर्जी से आए ठीक है, नहीं तो गांव के लोग ही क्रांति लेके आएंगे, गांव तक हमें कैसे पहुंचना ये हमें प्रयास करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, दो एक मिनट बोलना चाहूंगा, जो साहब अभी बातचीत कर रहे थे, जस्ट मैं उनकी बात काट नहीं रहा या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, जस्ट कुछ इस पे बोलना चाह रहा हूँ, इजाजत है क्या? बोले बोले बिल्कुल, वेलकम गवर्नर साहब। सर जैसा आपने बताया और हमारे अपने विद्या पीपल में बताया जा रहा है, सभी ग्रुप इस सभी लोग जुड़े इसमें, चाहे कोई किसी भी रैंक का स्टेटस का है, वी द पीपल के लिए या धम के लिए संघ के लिए कोई स्टेटस नहीं है, कोई डेजिनेशन नहीं है, सब बराबर है, अगर जो स्टेटस डेजिनेशन लेकर चलेगा वो यूनियन अपना संघ नहीं बना पाएगा, और वो लास्ट में शायद एक ऐसा अकेलापन फील करेगा, जो अकेलापन उसका कोई नहीं भर पाएगा, और उसके परिवार में एक ऐसा खामियां रह जाएगी जिसका कोई डॉक्टर नहीं है, अगर उन्हें वो डॉक्टर चाहिए तो अभी ले ले, इस ग्रुप में जो डॉक्टर है या इस ग्रुप के माध्यम से जो इलाज बताया जा रहा है वो ले ले, हमने बहुत ऐसे देखे हैं पूरे सर, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं उसी रैंक के, यस सर रैंक के यहाँ पे, यस सर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सर, हम सभी जितने भी हमारे साथी बहुत बड़े सीनियर रैंक में रहे हैं या है, उसको छोड़ के एक वी की जो फीलिंग है उसमें आए, संघ की फीलिंग में आए और इस विचारधारा को मजबूत करें, जो हमारे डिफरेंसेस है वो जो चाहत है इच्छा उसको हम थोड़ा अपने समाज तक फैलाएं अच्छाई के लिए, बट उसको बैरियर ना बनाए, अगर बैरियर बनाएंगे तो हम और अपने परिवार के लिए शायद कहीं ना कहीं नुकसान रखेंगे, एक अच्छी फीलिंग जो यहाँ से मिल रही है सभी की एकता अखंडता के लिए भले के लिए वो हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जयंत सिंह जी बात, कमांडर साहब आपको कैसे फीलिंग हो रही है विद द पीपल में आकर ये बताना प्लीज। सर मैं आपको बताऊं सर, मैं कितने ही आईएएस आईपीएस और के साथ रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में 10 साल रहा हूं, मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहना चाहूंगा बट बहुत ही टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ रहा हूं, और जो कहिए सो मैं भी कमांडेंट रैंक में रहा हूं या मैं उस लेवल का बंदे की बात नहीं है, बात यह है कि हम अगर इतने ठीक अच्छे समझदार पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं अच्छे हैं तो हमें सही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और यहाँ जो चीजें मिल रही है दैट इज आउटस्टैंडिंग, कितने भी ग्रुप में कहीं जाए ना तो वो देश की बात करेंगे या अपने संविधान की बात करेंगे ना ही, और ना ही आने वाली जनरेशन का जिक्र करेंगे,
वो सिर्फ एक जिक्र करेंगे कि किसी तरह से मेरा साथ दे, मेरे को आगे बढ़ाए। और जहां ये फीलिंग है, चाहे वो एक्टिविस्ट की है, किसी पद से संबंधित है या कुछ और है, उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता, उसका भला वाला नहीं हो सकता, हमारे समाज को सुधार की तरफ उसका कोई दिशा नहीं हो सकती। लास्ट में वो व्यक्ति विशेष या वो समूह अगला घोटू टाइप हमने आपको फील करेगा। तो मेरी बैटर है कि जितने भी हम साथी हैं, हम कभी भी किसी प्रकार की जो रैंक या पद की भावना उसमें ना बहें। अगर जो बहें तो प्यार की जो भावना वो बहें अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। मैं सिर्फ जस्ट यही एक जी, आप जो सोच रहे हैं यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, मैं जस्ट एक वैसे बता रहा था, यहाँ जो जितने भी है ना वो सब बराबर होके आए हुए हैं। सर बिल्कुल, जो नहीं समझ रहे वही तो नहीं जुड़ रहे ना। सर मैं आपसे सहमत हूँ, मैं एक 10 सेकंड और लूंगा। सर मैं पिछले जब डिपार्टमेंट में था तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे जूनियर साथी थे, हम मैंने उनकी जो हम एशियार लिखते हैं, एक बार हमारे साहब आए थे एडिशनल एसपी साहब, वो बता रहे थे, हम मैंने कोशिश किया उनकी एशियार ठीक करने के लिए। आज वे लोग हमारे जो साथी मेरे समाज के, आज वो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हैं हमारी फोर्स के। मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं किसी गलत भावना से उनकी एशियार लिखी गई थी या डिफेक्ट थे, हमने कोशिश करने की कोशिश ठीक किया, क्योंकि मैं हर कंपनी में हर बटालियन में 3-3 साल हमारा रहने का था। तो मेरा यही कहना है कि सर ये प्लेटफॉर्म जो मिला है हमें इसको मजबूत करें, और इसकी भावना जो हमारे संविधान की भावना है, जो उसकी ताकत है, जो हमारे लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा उसको मजबूत बनाया गया है बाबा साहब के द्वारा, हम उसको अगर मजबूत रखना चाहते हैं तो हम सबको एक साथ आकर मजबूत होना पड़ेगा। अपने जो व्यक्तिगत किसी चीज का भी प्राइड है उसको साइड करना पड़ेगा। सर धन्यवाद। थैंक यू कमांडर साहब। हाँ जी डॉक्टर यूएस लाल जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। सर वी द पीपल के इस संघ में जो व्यक्ति आता है वो अपने पद और प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ के आता है, वो सिर्फ अपना नाम लेके यहाँ जुड़ता है। और यहाँ वी द पीपल का जो कंसेप्ट बताया जाता है उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। और ढेर सारे लोग रोज जुड़ते हैं और हम सब ने देखा है कि इस संघ में इस प्लेटफॉर्म पे आईएएस भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर भी जुड़ चुके हैं। अगर उनके मन में तनिक भी अपने पद को लेके महसूस होता तो वो निश्चित रूप से नहीं जुड़ते। हम सबको एहसास है कि वी द पीपल का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है और सकारात्मक तरीके से चीजों को रखता है, इसलिए हम सभी लोग जुड़ते हैं और भविष्य में जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद सर। बात पूरी होगी जी। जी जी बोलिए डॉक्टर साहब। कौन बोल रहे हैं? हाँ, डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो मैं। जी सर बोलिए बोलिए। वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर यूएस लाल की बात पूरी होगी। जय भीम नमो उद्धार सर। हाँ जी, जय भीम नमो उद्धार सर, मैं डॉक्टर स्वामी लखनऊ से। बोलिए डॉक्टर, बोलिए। हाँ सर, धन्यवाद। जी जी सर, आपकी आवाज कट रही है, रेंज कम है शायद, इसको हटा दो, लीड को हटा दो। अब आवाज जा रही है? हाँ थोड़ी ठीक आई है, बोलिए। अब मेरी साउंड जा रही है सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बोले डॉक्टर साहब, बोले बोलो डॉक्टर साहब। नहीं आवाज, रेंज कम, नेट की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब शायद। बोलो सर, आवाज पहुंच रही है? नहीं रेंज में अभी नहीं आ रही डॉक्टर साहब।
आवाज आइए। हाँ हाँ जैसे ही होगी थोड़ा देखो फिर आ रहा। हाँ जी प्रियार जी और देखो किसको बुलाना है। ये एक नंबर है 2212 62 हैंड रेज भी है इसका। हाँ बोल बोल भाई। बोले भाई साहब। ठीक है सर बाद में जुड़ते हैं। इसका नंबर है 651 लास्ट में हैंड रेज भी है प्लीज। डॉक्टर साहब की आवाज अच्छी आ गई थी। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर आर एस स्वामी जी इनकी आ नहीं रही आवाज। पहले बढ़िया थी। मैं बोलूं। अब बोले आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब नहीं बात अच्छा ठीक सर। एक मैं सर एक स्टोरी एक मिनट में बताना चाह रहा हूँ। एक पंछी था वो सिर्फ जो था पेड़ पे तो उसको जो है वो आता था दाना चुनता था जी। अच्छा ठीक है सर बाद में अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर साहब आपकी प्रॉब्लम कुछ नेट की प्रॉब्लम है। ये एक साथी है 2212 62 66 51 या मोहनलाल जी। मैंने पहली बार देख रहे हैं मोहनलाल जी। मोहनलाल जी वेलकम। आप पहली बार आए बोलिए। डॉक्टर मोहनलाल जी है। अच्छा सर जी मैं बहुत बार आ चुका हूँ। आप दाढ़ी बता के मुझे पहली बार देख रहे हो सर। सॉरी मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ बहुत बार बोल चुका भी हूँ। चल बोलो सर दोबारा बोलते हैं सर। आप दोबारा बता दीजिए। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड हुआ हूँ मेडिकल कॉलेज से। जी सर। और फरवरी में रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं बस अपने घर ही चल रहा है काम। और मेरा ज्यादातर जो लेखक के तौर पे एज ए राइटर काम कर रहा हूँ मैं बहुत। सो जब मैं जॉब में था तब भी थोड़ा सा राइटिंग करता था। अब एज ए प्रोफेशन उसको अडॉप्ट किया है। और जो आपका ये संघ का चल रहा है बात ये बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं पंजाब से हूँ इसीलिए थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में इतना तो नहीं जानता। अब पढ़ना शुरू किया है और समझना शुरू किया है। ज्यादातर तो सिख धर्म के बारे में ही ज्यादा है हमारी जानकारी। और सेकंड ये बात जो कर रहे थे हमारे साथी के बड़े लोग इनमें शामिल नहीं होना चाहते ये आज की बात नहीं है। ये तो हम जब जॉब में आए थे 84-85 में तब की सोच रहे हैं। जब भी लोग इकट्ठे होते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा ऐसे में आते हैं। ठीक है ना। हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उसमें भी ऐसा ही है कि जो लोग 10 साल पहले जुड़े थे वही लोग आज भी जुड़े हैं। सो ये तो प्रॉब्लम है खास करके क्योंकि न्यू मिडिल क्लास जो बनी है वो तो बिल्कुल ही बाहर निकलना नहीं चाहती इस दायरे से। उसका दायरा तो बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो सोचती बहुत कम है इसके बारे में। हाँ अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आपके पास आ जाएगी आपके पास बात करेगी आपसे। अदरवाइज अगर कहें कि यूनाइट होकर बात करें वो नहीं बात चल रही। तो ये तो प्रॉब्लम खास करके जो ऑफिशियल लोग हैं जो उनके बात तो है। हाँ इकट्ठे होते हैं जब उनकी प्रॉब्लम आती है कोई जॉब सर्विस में प्रॉब्लम आ गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तब इकट्ठा होते हैं अदरवाइज नहीं है। सो इसके लिए जरूरी है कि अगर लोग एक अंडरस्टैंडिंग ले आए कि हाँ भैया हमारा ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है कि हमने अपने अपने लेवल पे अपने आप को डेवलप किया है एक स्टेटस पे आए हैं पर वो स्टेटस कब तक आपके साथ चलेगा। अल्टीमेटली तो आपको जॉब से बाहर आना पड़ेगा और एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी पड़ेगी। और उसके लिए तो जरूरी है कि आप जितने कॉन्टेक्ट ज्यादा रखेंगे जितना ज्यादा आप बातें करेंगे उतना ही आप मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर आप बात करनी समझ जाएंगे कि आप कैसी बात कहाँ पे करनी है कितनी करनी है कैसे करनी है। वही आपका इंप्रेशन जो है चलेगा और उसी में से आप निकलेंगे और लोगों को भी साथ जोड़ेंगे। ये मेरी थोड़ी सी बात थी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मनीषा मैडम जी सर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दे सर। कर रहे होंगे दिल्ली में। थैंक यू डॉक्टर मोहनलाल सर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना। ठीक है नंबर डाल देना। हाँ जी मनीषा जी कैसी तैयारी कर रहे हो दिल्ली में। बहुत बढ़िया आप देखना आके।
मैं आ गया, मैं 4-5 दिन बाहर था। हमें वही कहते थे दो दिनों में नजर आए आप, ऐसा लग रहा है। और क्या मैडम भी नहीं मिले, महिला मैडम भी नहीं जुड़ी। नहीं मैडम रोज आती थी, मैडम रोज आती थी, आपको बोलने का मौका नहीं दिया आपने मेरे बगैर। सर सबको साथ आना चाहिए। हाँ सर, बस मैं यही कहने के लिए हैंड रेज किया है कि 17 अक्टूबर संडे का दिन है और सभी दिल्ली और NCR के लोग, आसपास के लोगों से निवेदन है कि सभी अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने अड़ोस पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं सभी को 17 तारीख को आने के लिए इन्विटेशन दें, उनको से आग्रह करें, उनको कहें, समझाएं कि ये पिकनिक का जो प्रोग्राम रखा है ये हम सबके मिलने जुलने के लिए रखा है और हमारे जो बच्चे हैं जो लॉकडाउन में घर में रहकर अकेला फील कर रहे थे उन सबको एक कंपनी देने का काम कर रहे हैं ताकि उन्हें एक अच्छा माहौल बाहर मिल सके और उनकी आपस में हमारे फ्रेंडशिप हो सके, बच्चे आपस में एक दूसरे को जान सके और हम परिवार भी एक दूसरे को जान सके। उसके लिए विदा पीपल ने पिकनिक का जो आयोजन किया है इसमें, इसके लिए मुझे, मैं सभी से कहना चाहूंगी सभी लोग अपने घर परिवार से जरूर आए और लोगों को भी अपने साथ लाएं और अपना खाना, अपना पीना और अपना खेल के लिए जो सामान लाना वो चटाई या दरी जो भी लाना चाहते हैं और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ पराठा लाना, बढ़िया पकवान लाना है, अच्छे बढ़िया बढ़िया डिश बना के लाइए और सब मिलजुल कर वहां पर हम लोग खाएंगे और विदा पीपल की बात करेंगे और अपना जैसा भी आप लोग अपने बैठ के बात करना चाहें कर सकते हैं। और पर यह है कि हमें इसे कामयाब बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है और सभी को अपने परिवार के साथ आना है यहाँ पर, यह मेरी रही रिक्वेस्ट। और थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सभी लोग जब दूसरे की तरफ जब उंगली उठाते हैं ना कि वोट नहीं आता, फलाना नहीं आता, तो उसकी तरफ भी 3 उंगलियां वापस जाती हैं कि तुम दूसरे को उंगली उठा रहे, तुम अकेले। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से देख रही हूँ कि वो सिर्फ वो अपने घर की महिलाओं का भी हमें इंट्रोडक्शन नहीं करवाते हैं कि बहुत बार कहने के बावजूद भी वो अपने परिवार के साथ विदा पीपल से नहीं जुड़ रहे हैं। अकेले आने से अच्छा अपने परिवार के साथ हैं, अपने अपनी वाइफ से तो कम से कम हमें इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि महिला मीटिंग में तो कम से कम आप अपनी फैमिली के साथ बैठें क्योंकि वो भी एक तरह का हमारा परिवार मिलन ही है और महिलाओं की मीटिंग को सक्सेस करने के लिए अगर हमारे 100 भाई यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी सबके साथ उनकी जीवन साथी होगी तो 200 की संख्या हो जाती है। तो जो 3 उंगली हमारी तरफ ऐसा वापस आती है तो हमारी तरफ इशारा करती है कि तुमने कितना अपने घर से काम शुरू किया है। पहले हमें अपने घर से ही काम शुरू करना पड़ेगा, अपने घर के परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हम बाहर के लोगों को कह सकते हैं कि ये अकेला आता है या इसने, इसके साथ कोई भी नहीं आता या इसने किसी को नहीं जोड़ा है या वो दूसरा फलाना बंदा नहीं जुड़ रहा है। आप अपनी तरफ देखो पहले कि आपने कितना जोड़ा है या आपने कितना काम किया है या आपने अपने परिवार को भी नहीं जोड़ा है तो आप दूसरों को कहने का कोई नहीं रखते हैं। बस मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी पहले अपने परिवार को जोड़ें, विदा पीपल के साथ सबको, अपने बच्चों को, अपने सबको लेकर बैठे, तभी हम लोग सब सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज एक दूसरों को हम कहते रहेंगे तू किसी को लगा हो तो मैं इसलिए सॉरी कहती हूँ, अदरवाइज ये सच्ची बात है, कड़वी बात बेशक है लेकिन सच्ची बात है जी। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सुधीर राज जी। हो गए सुधीर राज जी जो फर्स्ट टाइम, हाँ सुधीर राज जी फर्स्ट टाइम जुड़ा तो एक बार बोल दो, कोई फर्स्ट टाइम जुड़ा तो अपना हैंड रेज कर ले प्लीज, इंट्रोडक्शन जरूर दें, काफी लोग नए जुड़े हैं अभी भी मुझे लग रहा है, तो प्रियांश जी बुलवा दो, जो भी नए साथी हैंड रेज करें, बाकी हैंड रेज है सज्जन पाल, सोनीपत से हैं जी, सभी को जय स्वामीनाथ नमो बुद्धाय। मैं सोनीपत से हूँ, अभी सुधीर राज जी को मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। सुधीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, संविधान खतरे में है, हम भी मानते हैं और ये विदा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है संघ है इसीलिए बना के संविधान को बचा जाए
और मैं सुधीर राज जी का आभारी हूँ कि मैं पिछले साल डेढ़ साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ इंटरनेट के थ्रू, और मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं सबसे पहले दम को समझूं, दम में आऊं। इनकी वीडियो से मुझे मोटिवेशन जो मिला उससे मैंने विपसना सीखने का पक्का मन बनाया, और मैं अभी 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का जो करनाल में साधना शिविर लगा था मैं वहाँ अटेंड करके आऊँ, और मुझे लग रहा कि मैं अंदर से ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। और जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी हम संविधान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कुछ कर सकते, संविधान तो बहुत दूर की बात है, और हमें अपनी नींव मजबूत करने के लिए दम में आना ही होगा, दम को सीखना होगा, समझना होगा, अपने अंदर आत्मसात करना होगा। ऐसा मैंने अभी ये 10 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है, और इसलिए मैं वहाँ गया था। और मैं साथ साथ डॉक्टर यूवी सिंह जी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके भी मतलब इसके लिए मोटिवेट किया। और हम अपनी नींव मजबूत तभी कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे, समण समाज में आएंगे, और वी द पीपल जो संघ है इसकी नींव बहुत मजबूत है। ये सारे सारा का सारा संघ है ना विपसियों के हाथों में है, इसलिए इसकी निश्चिंता पे और इसके विकास पे और जो ये मुद्दा लेके चल रहा है उस पर मुझे कोई शक नहीं है। उसमें उस छोटी सी कड़ी इस कड़ी में एक छोटी सी कड़ी में भी जुड़ गया हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो जो दम में आएगा विपसना सीखेगा वो अपने आप को अपने लिए तो मजबूत करेगा ही, राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र की मजबूती के लिए भी एक छोटी सी ईंट का काम करेगा, और उस मजबूत ईंट की तरह रहेगा वो कि कभी हिलेगी नहीं। तो मेरा तो जी यही सब इसे निवेदन है कि जो जो अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे शायद आगे भी, मेरी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं निवेदन करूंगा, मेरी अपील रहेगी सबसे कि दम में आए, विपसना सीखें, अपने आप को मजबूत बनाए, यूनिट मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा संघ मजबूत होगा। यही मेरी, और मैं दोबारा फिर सुधीर जी का बड़ा आभारी हूँ, कभी मिले नहीं, कभी मिलेंगे तो मैं जरूर उनके दर्शन करूंगा, लाभार्थी होऊंगा इसका, डॉक्टर यूवी सिंह जी का भी, और बाकी सारा जो मेरा संघ है ये, मैं सारे श्रमण समाज का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मोटिवेशन के साथ साथ मुझे उस दिन आशीर्वाद दिया कि भाई आप जाओ। धन्यवाद, जय भीम। थैंक यू सज्जन पाल जी। सुधीर राज जी ने ये कहा था संविधान खतरे में नहीं है, हम खतरे में। हाँ जी, ये जो पहले भी कहा था हम तो खतरे में है ही है, संविधान खतरे में, तो हम तो सबसे पहले खतरे में है, तभी तो संविधान खतरे में आया। सज्जन पाल जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना। जी जरूर जी। अनीता परिहार है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना परिचय दे, गांव से। अनीता परिहार अनम्यूट नहीं हो रहा। सर नेक्स्ट हैंड रेज है, काफी सारे हैं। सम्राट ओपी बोध, ओपी बोध जी, राम कलोरिया है। हेलो, हाँ बोले बोले जी। सर सम्राट ओपी ओम प्रकाश मौर्य वाराणसी से। अभी अभी सुधीर राज जी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही, इस देश के जिसे हम पढ़ा लिखा लोग कहते हैं कि उनकी जरूरत संघ को कम है, वो आना नहीं चाह रहे हैं इसलिए कि अभी तक वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज उन्हें याद आया है कि वी द पीपल जैसा कोई संघ मिल जाए या वहां चल के कुर्सी मिल जाए, कोई पद मिल जाए जहां से हम फिर से, तो सुधीर राज जी को एक अपना हाल का एक संस्मरण सुनाना चाह रहा हूँ। सर हमारे बगल में एक भदोही जिला है, वहां के डीएम साहब जो पाती समाज से आते थे
अभी जोर सर अपनी वीडियो खोल लीजिए जी सर। तो वहाँ हम लोग उनकी शादी में कैद है, तो वो डीएम साहब अभी जुलाई में रिटायर्ड हुए हैं, एक महीना बाद। उन्होंने कहा यार हम तो एक महीने बाद फिर से पासी हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा सर यही चीज अगर आपको 25 साल पहले समझ में आ गई होती तो आज अपने आप को पासी नहीं, आपके पीछे पूरा समाज आपको डीएम साहब करता। और दूसरी चीज सर कहना चाहेंगे कि समाज के जो भी जिसे हम पढ़ा लिखा कह रहे हैं वो पढ़े लिखे लोगों की बात कभी भी अंबेडकर साहब ने नहीं कहा। अगर हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के हुए होते मुझे विदा पीपल ग्रुप बना के आह्वान करने की जरूरत न पड़ती, आज हम सुखी और संपन्न हालत में होते। बाबा साहब ने उन पढ़े लिखे लोगों के लिए इंगित किया था जब इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि भाई अभी आप कुछ दिन बाद चले जाओगे और मुसलमानों को आपने जो है पाकिस्तान दे रखा है, और अभी आने वाले समय में हमारी आजादी पूरी नहीं हुई, आप हिंदुओं के हाथ में ये भारत की बागडोर देके जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। तब उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि भाई एक अंबेडकर पूरे भारत की तकदीर बदलने के लिए काफी है, मैं आपको 20 अंबेडकर देना चाहता हूं। और अंबेडकर साहब ने 20 लोगों को भेज के लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, जिसमें से एक व्यक्ति वापस लौट के आया है, के आर नारायण, जिनके रहते जब तक वो थे राष्ट्रपति के कुर्सी बैठे बहुत सारी चीजों को उन्होंने सुधार किया। तो जो भी अपने को आज भी इस विदा पीपल के मंच पे बैठा हुआ हो या अभी यहाँ शामिल हो, अगर वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहा है तो काम में लगे, विदा पीपल के मिशन को पूरा करे भारत के कोने कोने में, अगर पढ़ा लिखा समझ रहा हो तो। नहीं बकिया तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है इस देश में, जो अभी उनको समझ में आ रहा जैसा कि सुधीर सर ने बताया, उन लोगों को हमारी जरूरत है इसलिए मुझे याद कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि कभी भी आज के वर्तमान पढ़े लिखे लोगों के बारे में बाबा साहब ने कभी इंगित नहीं किया, और जब ये लोग अगर आज भी अगर पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की बातों को समझ पाए होते, लिखे पढ़े होते, तो ये चीजें नहीं हो, नहीं आज स्थिति हम लोगों के सामने होती। तो जो भी अपने आप को लिखा पढ़ा पढ़ा लिखा समझ रहा है तो स्थिति को समझे और अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में समझे, संविधान के बारे में समझे, जिसकी वजह से हम स्कूल का गेट भी डाक पाए वो संविधान की वजह से है। डीएम और कलेक्टर और लिखा पढ़ा होने की बात तो दूर की बात थी, हम स्कूल का दरवाजा देख पाए इसलिए उसकी देन संविधान है। और वो तो आज के इस मंच पे जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उनका संपर्क भी पढ़े लिखे लोगों से हैं, इस मंच से जाके विदा पीपल इस मंच से वापस जाके अपने संगी साथियों में जो भी पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं अपने पढ़े लिखे साथियों को बताएं जय भीम नमो बुद्धाय, बस इतना ही कहना चाह रहे थे। थैंक यू ओपी बोध जी। अभी हेनरी राम कलोरिया जी, एक मिनट में, इस टाइम सुमेर है और अनिता गवई गवैल है शायद, वो जुड़े हैं क्या? 10 से 11 उनको एंकरिंग करनी थी। सुमेर हरियाणा से है और अनिता गवई महाराष्ट्र से। और अर्चना गौतम जी जुड़े हैं, कंचन वीर जी और अर्चना गौतम, मैसेज भी भेजे थे। चलो ठीक है, लखनऊ से
सर लखनऊ से अनु बहुत जुड़े हुए हैं, उनसे बुला लीजिए एक बार प्लीज। लखनऊ से कोई एक एक मिनट लेते हैं। राम कलोरिया जी पहले। हेलो, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं सभी का आभारी हूं, और जैसे कि आज का दिन जो विशेष है कि बाबा साहब ने 1935 में आज के दिन ही ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, तो हमारे लिए आज का विशेष दिन भी है। और आज के दिन मैं हालांकि एक बात कहना चाहूंगा कि सत्य प्रकाश परिहार जी के जो दबा हुआ दर्द आज जो सामने आया कि मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पे होते हुए भी, और हरियाणा में या आप मान भी सकते हैं, सभी आप पढ़े लिखे हैं कि वो PB4 में आते हैं, और एक ही बहुत ही एक जो होता है कि JAG और SAG उस ग्रुप के, मतलब वो एक बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर, और समाज से इतने लगाव और इतनी हकीकत, मतलब उन्होंने आज अपने दिल का दर्द बताया है कि भई अगर हम सब लोग मिल जाए एक हायर लेवल के ऑफिसर को, क्योंकि हायर लेवल ऑफिस में होते हैं लेकिन जो समाज में होते हैं हमें सबको जगाना है। मैं बहुत आभारी हूँ परिवार साहब आपका, और जो आपने जो दर्द जो अपना व्यक्त किया है, हम चाहेंगे कि ये सभी के दिल में जगना चाहिए, और मैं आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सभी को जय भीम नमो बुद्ध। थैंक यू कलौरिया जी। अनु बोध, कम समय में। जी सर, सभी को जय भीम नमो बुद्ध है। जैसे कि अभी मैं सबकी बात सुन रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रही थी। जैसे कि सुधीर सर ने कहा है कि हम लोग खतरे में हैं, संविधान नहीं खतरे में, बिल्कुल राइट्स हमें लोग खतरे में हैं। जैसे कि आज 13 अक्टूबर 1935 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने एक शपथ ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में पैदा हुआ था ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरूंगा नहीं ये मेरे बस में है। तो इसी तरीके से सभी को आज शपथ लेनी है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। शपथ लेके आज के दिन उसी तरीके से अपने संविधान के लिए, अपने लिए और अपने बचाव के लिए हमें आगे काम करना है। और आज सभी शपथ ग्रहण करें कि अपने अपने इच्छा अनुसार जो भी, मतलब जो आप कर सकते हैं उसी तरह से आज आप एक शपथ लें, जैसे बाबा साहब ने आज के दिन शपथ ली थी। और बाकी मैं आप सभी के सामने तो बच्ची हूँ, बट आप सभी से सीख रही हूँ, और मैं इतना नहीं अच्छे से बोल पाती हूँ, और जो भी बाय मिस्टेक होते हैं तो उसको माफ करने की कोशिश करें रहती है, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, इसलिए हम बोलते रहते हैं। जय भी सभी को, शाबाश, आप लगे रहो, अच्छी बात है। नेक्स्ट गुलशन। हेलो, क्या हुआ? और अभी कहना कुछ अनु? आवाज बंद हो गई आपकी। गुलशन सर ट्रेन में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ, वो आवाज बंद हो गई थी ना, कोई बात नहीं है। गुलशन फिर विजेंद्र सिंह जी लुधियाना से, गुलशन बोल रहे हैं आप, उनकी आवाज आ नहीं रही है, नेट की प्रॉब्लम है। माइक अनम्यूट करें। जय भीम नमोदय सर, सभी को सर जय भीम। हाँ सर, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था सर, मेरे को पूरम पूरा इंट्रोडक्शन दे। हाँ जी सर, मेरा नाम गुलशन है और एज ए जूनियर इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ सर, और परियार साहब के पास ही हूँ सर, और पिछले 5-6 महीने से मीटिंग सर अटेंड कर रहा हूँ मैं। और मेरा ये मानना है सर कि हम मैं जरूर जीतेंगे सर, जीतेंगे और जरूर जीतेंगे सर, मेरा तो यही मानना है। विजेंद्र सिंह लुधियाना से जी। हाँ सर, सभी साथियों को
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सर अभी कुछ साथी ये कह रहे हैं कि भाई हम खतरे में, हमारा संविधान खतरे में नहीं है, तो हमें जो राइट्स मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है? संविधान जब यानी कि खतरे में होगा तो ही तो यानी कि समाज खतरे में होगा। तो जो हमारे यानी कि नेता लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभाओं में बैठते हैं, वो ऐसे कानून बनाते हैं जो हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी यानी कि बाबा साहब के सारे स्लोगन वगैरह, नारे वगैरह सारा कुछ पढ़ते हैं, परंतु हम इस ग्रुप में यानी कि कई बार 200 बंदे जुड़ जाते हैं, कभी 150 बंदे जुड़ जाते हैं, और आज भी यानी कि 100 से ऊपर हैं। क्या हम अपने समाज को कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को, अब सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें बुद्धिजीवी लोग नहीं, क्या आप अपने बच्चों को कास्टलेस सोसाइटी में यानी कि शादी करना चाहते हैं? बाबा साहब के यही मिशन थे भी, कास्टलेस सोसाइटी बनाओ, जातिविहीन समाज। और यानी कि धम दिया था उन्होंने, उस धम की तरफ जाओ ताकि हमारे समाज में जो वर्षों से सदियों से अंधविश्वास आडंबर फंसते हुए हैं उससे बाहर निकला जा सके और एक वैज्ञानिक यानी कि सोच वाला धम अपनाएं। तो मेरा मानना ये है, बहुत से साथी पहले भी कह चुके हैं कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी, न कि यानी कि स्पीच वगैरह करने से। मैंने इस ग्रुप में अपने बेटे का बायोडाटा डाला है, वैसे मैं नहीं डालना चाहता था, मेरे को पता है कि यानी कि ये प्लेटफार्म नहीं है, मैं इसी वजह से डाला है भी, मैं यानी कि प्रेफर करता हूँ कोई भी यानी कि किसी भी समाज का, जो हमारे SC समाज है, कोई भी होगा तो मैं आई विल रेडी, कोई यानी कि जाति बंधन नहीं है, और मैं अपने घर से शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे जितने भी साथी हैं तो वो भी प्लीज अपने यानी कि घर से शुरुआत करें, क्योंकि हम ब्राह्मणवाद को कोसते रहते हैं परंतु हमारे में ही सबसे ज्यादा जातिवाद समाया हुआ है। थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू विजेंद्र जी। वैसे आपको कैसे, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, आप जो बात कह रहे हो, जो यहाँ विद पीपल इतने सारे उनमें कोई आपको डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं है, डाउट की तो बात ही नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे बुद्धिजीवी लोग हैं और उनको ये शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत शुरुआत है जो बैठे हैं यहाँ, सब सब मानने वाले लोग हैं, जो आप ये मत सोचे, नहीं मैं सोसाइटी की बात करते हैं, घर से ही शुरुआत है, घर के सारे बैठे हैं, ठीक है ना, डाउट की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो ये कह रहा हूँ एक और एक 11 होते हैं, तो हम यानी कि उस समाज की तरफ यानी कि जाए जो बाबा साहब का सपना था। थैंक यू विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, हाँ सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जो हम यहाँ बार बार बताते हैं और ये कहते हैं कि हम खतरे में हैं, हाँ तो वो सुनते भी हो गए आप, मैं फिर एक बार बिल्कुल सुनते हैं सर। वो इसलिए है क्योंकि देखो क्या है कि लोग संविधान को बनाते हैं, हाँ। और बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि संविधान सभा से संविधान है, उन्होंने लिखा है विद द पीपल से संविधान है, इसने शुरुआत विद द पीपल से है, बिल्कुल ठीक है। और विद द पीपल चाहे तो दूसरा संविधान ही बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और जो इसमें अमेंडमेंट हुई है उसको खत्म भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है। सुनिए ना, संविधान अपना अमेंडमेंट खुद खत्म नहीं कर सकता, संविधान अपनी कॉपी खुद नहीं बना सकता, किसी भी देश का कोई भी कोई कहता हो कि संविधान दूसरा संविधान बना सकता, नहीं बना सकता। हमेशा जब संविधान बनता है लोगों से बनता है और लोगों के लिए बनता है और लोगों के द्वारा बनता है, लोगों का होता है, ठीक है। तो क्या है कि जब लोग खतरे में है तब संविधान खतरे में आता है, क्योंकि लोगों ने संविधान बनाया है। संविधान खतरे में आने से लोग खतरे में नहीं आते, लोगों के खतरे में आने से संविधान खतरे में आता है। हमारे अधिकार चले गए इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। जब तक हमारे अधिकार नहीं गए थे, जब तक संविधान खतरे में नहीं के बोलते थे, तो इस सेंटेंस को हम ठीक कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि भाई उनके बच्चे खतरे में है और वो खतरे में है। अभी जो आप यहाँ जो बात कर रहे हैं, दरअसल आपके जो अधिकार हैं और आपके बच्चे हैं वो खतरे में है या नहीं है?
जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे अगेंस्ट जाएगा जो हमारे राइट्स, इसको बदल दीजिए, आप इसको बदल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम ही है, दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। आप मेरी बात, आप इस सेंटेंस हमारे बच्चे ही नहीं, आप इस सेंटेंस को ठीक कर लेंगे ना। देखो उन्होंने क्या है, वो हमारे कानों में शब्द डालते हैं, हमारे लोगों को इतनी समझ नहीं है कौन सा शब्द डालना चाहिए कौन सा नहीं डालना चाहिए। सर 2014 के बाद में तो हमारे बच्चे भी किसान भी जो यानी कि सरकारी संस्थान भी सब कुछ खतरे में। चलो आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आप, मान रहे हूं, मानते रहे, हम बच्चे खतरे मान रहे थे, झगड़ा खत्म हो गया, क्या झगड़ा करना आपसे। नहीं सर झगड़ा नहीं करते, अब तो पिछले 7 सालों में सब कुछ खतरे। सर आपकी बात मान लिए, ऐसा रटा हुआ शब्द जो भाई साहब बहुत मुश्किल से निकलता है, हम उसी को ठीक कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार भर दिया जाता है दिमाग में, वो निकलता नहीं। यहाँ हमारे लोग भी कई बार वो समझते हैं कि हम खतरे में, फिर भी वो कह जाते हैं क्योंकि जवान पे के संविधान खतरे में है। जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि हम खतरे में है, तब हम एक्टिवेट होंगे। विजेंद्र जी ये बात क्लियर है, संविधान ठीक है, आप ये सर आवाज नहीं आ रही, कहो अब, कहने का मतलब है कि उनको क्या पता किस रेगुलेशन से क्या चल रहा है, बोले हम खतरे में, ये बात प्रचार हो, कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में है ही हम खतरे में, संविधान खतरे में, हम हो ही गए खतरे में, पूरा देश ही खतरे में सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो देश हमसे ही बना है, आप बनाए, सीधी सी बात करो कि विद आप खतरे में हम, बिल्कुल सारी चीजें आ जाती है फिर। बीरेंद्र सिंह जी, हाँ सर, जब हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे खतरे में है और जब हम ये कहते हैं कि देश खतरे में है, तो दोनों में कौन सी बात ज्यादा हमें अपील करती है? सर बाबा साहब ने एक बात कही, आप बाबा साहब को छोड़ो, आप अपनी बताओ। नहीं देखो उन्होंने एग्जांपल तो देने पड़ेगा, अगर आप बाबा साहब नहीं देना, दो में चेक ही करना है, हाँ ना, कौन सा ज्यादा अपीलिंग है। देखो जी अगर समाज खतरे में है, तो आपसे तो बाबा साहब ने कहा था मैं समाज का, हमने तो दो बातें आपको दी हैं कि दो बातें हम, कोई हमसे कहे कि देश खतरे में है और हमारे बच्चे खतरे में, तो हम किसके लिए ज्यादा एक्टिवेट होंगे? इतना ही तो बात है, प्रेफरेंस तो हम अपने समाज को देंगे पहले। चलिए ठीक है, आप समाज को दीजिए, हम अपने बच्चे को देते हैं। नहीं बच्चों से ही समाज बनता है सर, आप समाज को दीजिए, हम बच्चों को देते हैं, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने अपने बच्चों को नहीं दिया ना प्रेफरेंस। अरे साहब आप बाबा साहब बनिए और लोगों को कहिए कि संगठित हो जाएं, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं, आप धम का काम चलाते हैं, धम भी अलग अलग है, बाबा साहब की बात मानिए सर, हम भी मानते हैं, इसीलिए सबको इकट्ठा करते हैं। बाबा साहब ने अपने बच्चों की प्रेफरेंस दी थी ताकि हमारे बच्चे बचे रहे, और हमारे बच्चे बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब की प्रेफरेंस खत्म हो जाती है। चलो ठीक है सर, नहीं आप कह रहे वो ठीक है, आप अपने हिसाब से ठीक हो, आप मानोगे नहीं ना, ये तो दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं मैं तो बाबा साहब की बात कर, उन्होंने अपने बच्चों को प्रेफरेंस नहीं दी तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपने बच्चे खत्म किए ना उन्होंने, हमारे बच्चे किए, अब हमारे बच्चे खतरे में हैं तो क्या बाबा साहब का मिशन पूरा होता है? अगर हमारे बच्चे खतरे में हैं तो बाबा साहब की बात क्या पूरी होती है? बाबा साहब ने अपने बच्चे खत्म कर दिए हमारे बच्चों के लिए, और फिर हमारे बच्चे खतरे में आ गए तो बाबा साहब की बात खत्म हो गई नहीं हो गई? बाबा साहब की क्या नहीं है, बाबा साहब के तो बातें खत्म कर ही रहे हैं गवर्नमेंट। आप बताओ कि आपके बच्चों के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चे खत्म किए नहीं किए? बिल्कुल किए। तो आप अपने बच्चे बचाओगे नहीं बचाओगे? नहीं हमें अपने बच्चों के साथ साथ पूरे समाज को बचाने की जिम्मेदारी है। आप भैया बच्चों को प्रेफरेंस मत दो, क्योंकि बाबा साहब ने अपने बच्चों को नहीं, मत दो, बाबा साहब ने हमारे बच्चों को प्रेफरेंस दी थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि मेरी बच्चे जहाँ है वहां चले जाए, आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे खतरे में ना हो। सिंह जी बाबा साहब ने कहा था कि एक बार के लिए बच्चों को बलिदान नहीं देते। दे सकते हैं पिक्चर आ जाए तो? नहीं सर, आने वाली पीढ़ी को ही तो सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए। नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हो, मैं वैसे परिचय पूछ रहा हूँ आपका, मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और हम okay. हम और हमारी आने वाली पीढ़ी ही तो उनके बच्चे हैं, उनका ही तो भविष्य सुरक्षित करने के लिए कहा था उन्होंने। जी 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 चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छुट्टनलाल जी, हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सर।
सर मैं मेरी बात रख रहा हूँ दो मिनट के अंदर। ये पढ़े लिखों की बात हो रही है तो हमारा जो समाज है उनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े हैं। जो किसी की बात को लिख के पढ़ लिए नौकरी लग ली है वो लिखे पढ़े होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो जागृत होता है, मिशन में काम करता है। तो 90% जो कैटेगरी है वो लिखे पढ़े की है, अनसंट जो लिखा है उसको पढ़ लिया और नौकरी लग गई, चाहे वो क्लास वन ऑफिसर हो, चाहे सचिव बन गया हो, चाहे SDM बन गया हो, कलेक्टर बन गया हो। तो लिखा पढ़ा ज्यादा है, पढ़ा लिखा कम, इसलिए वो मिशन के बारे में अनविज्ञ है। अनविज्ञ क्या जानते हुए भी और सुप्रीमेसी जो होती है उसमें फंसे हुए हैं, और उनकी सुप्रीमेसी वगैरह अभी जाने ही वाली है जब हम विदा पे कुल खतरे में है। सबसे पहले तो उन्हीं की सुप्रीमेसी जाएगी ना, और जो बेचारा जो बिल्कुल निचले पायदान पे उसको खोने को क्या है, वो तो वैसे ही उसके पास तो है नहीं कुछ। तो जो खोएंगे तो वही खोएंगे अपनी सुप्रीमेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है। इसलिए हमको सबको जुड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो सब विदा पीपल हैं, राष्ट्रपति से लेके और जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर, सब विदा पीपल हैं, सभी को जुड़ना चाहिए। धन्यवाद, जय भीम, नमो। थैंक यू चित्तनलाल जी। गंगारी सर, आप आज कहाँ घूम रहे हैं? रेलवे स्टेशन आए थे, आज कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं। आप ऐसे घूम रहे हैं कहीं? नहीं नहीं, छोड़ने आए थे। जी जी बोले आप। सर ये कह रहे थे कि हमें क्या बोलने हैं, अब रास्ते में हैं, ज्यादा नहीं बोलना है, पर आपसे सर अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे ज्ञानदास कनौजिया सर जुड़े थे काफी दिन से, अभी इनको स्पोक हाउस ने बनाया है और आज इन्होंने तबीयत खुश किया है कि एक साथ जो संत कबीर नगर बस्ती जिला है, बस्ती डिवीजन है, मंडल पूर्वांचल का एक प्रभावशाली मंडल है, आज 200 से प्लस इन्होंने अपने विधि पीपुल बस्ती से जोड़ा है। कनौजिया साहब हमारी मीटिंग में है, इनको थोड़ा ट्रेन करें कि अब वो निरंकारी जो निरंकारी है वही कनौजिया साहब है, रोज एक्टिव रहे और मीटिंग में अपना हैंड रेज करें, अभी फिलहाल रोज उपस्थित दें। ज्ञानदास कनौजिया जी को बुलावें, हम उनके लिए थोड़ा क्लैंपिंग कर दें सर, बड़ा अच्छा कार्य इनका है और प्रगति अच्छी होगी, हमें इसी की संभावना है। धन्यवाद सर, जय भीम। थैंक यू कनौजिया साहब, आप आए प्लीज सर। अच्छा आगे कनौजिया नहीं, ज्ञानदास साहब तो पहले भी जुड़े हैं। जय भीम नमो बुद्धाय जी। सर बस मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि अभी तो मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं सर जी, बहुत हमारे पास अनुभव की अभी कमी है, प्रयास कर रहा हूं एक आध हफ्ते के अंदर हम जैसा आप चाह रहे हैं वैसा काम करना शुरू कर देंगे। तो दीदा पीपुल में हमें एजुकेट करने का अवसर मिलता है, खुद एजुकेट होते हैं और जब एजुकेट हो जाएंगे तभी दूसरे को एजुकेट कर पाएंगे।